political policies like doctrine of life, subsidiary alliance as well as uprooting local level zamindar, creating their own administrative judicial mechanism because of which the ruling elite of our country, Kshatriya ho sakte, Brahman ho sakte, Zamindar ho sakte, they got upset. They say because of the policies of the socio-religious reform, utilitarianism and under that fair abolition of the Sati, thereafter fair permission of the widow remarriage thereafter, we are not supporting child marriage, etc., because of which conservative population of our country got upset. and thereafter, for economical policies, and under economical policies, we can say land revenue policy, and thereafter commercial policy, it is commercialization of agriculture and deindustrialization of our country. we have covered all these policies elaborately. and to impact isari movement. ultimately, why civil uprising was there? because of the political policies of our country. जिसमें ट्रेडिशनल लीडर्स रिवॉल्ट एंड वंस ट्रेडिशनल लीडर्स रिवॉल्टड ये फिर जो दूसरे सेक्शन है से सोसाइटी के कंजर्वेटिव सेक्शन पीस टाइम सेक्शन आर्टिजनल सेक्शन दे सपोर्टेड डैम धीरे धीरे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद फाइनली दिस ट्रेडिशनल रूलिंग एलाइट ऑफ आवर कंट्री स्टार्टेड टू सपोर्ट ब्रिटिशर्स वंस एंड फॉर ऑल जिसके वजह से नाउ दिस पर्टिकुलर सेक्शन दैट इज ट्राइबल सेक्शन एंड पीस टाइम सेक्शन विल टेक द मैटर्स इन टू ओन हैंड एंड दैट इज़ वॉट वी नीड टू एंटर इन टू तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने सिविल अपराइजिंग्स को इलाबोरेटली कवर अप किया था इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू कवर ट्राइबल अपराइजिंग एंड ट्राइबल अपराइजिंग के साथ साथ इवन पीजें अपराइजिंग सो लेट्स मूव इन टू दैट बट अगेन जाने से पहले विल गेट अपसेस टू दिस स्पीपी टी ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ आवर्स एंड अगर आपको कोई डाउट है पर्सनली अगर मुझसे पूछना है देन यू कैन आस्क इट टू मी ऑन इंस्टाग्राम चैनल ऑफ आवर्स गाइस सो लेट्स मूव फॉरवर्ड इन दिस रिगार्ड कि सबसे पहले हम लोगों को पीजें अप करना है कि पीजन मूवमेंट 1857 के बाद अब इंडिया में काफी एलेबोरेट लेवल पे आपको बाहर आते हुए दिखाई देंगे एटीन फिफ्टी सेवन के पहले सच में आपको टाइम मूवमेंट नहीं दिखाई देते हैं वॉट आर द रीज़न कि 1857 के पहले इंडिया में पीज टाइम मूवमेंट्स वर नॉट देयर वन एंड द फॉरमोस्ट रीजन वी कैन टॉक अबाउट इज बेसिकली टाइम पॉपुलेशन ऑलवेज नीडेड लीडर अगर आपके पास ये लीडर है देन ओनली यू आर गोइंग टू कैरी आउट अ जैसे टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टूडेज इंडिया

या फिर इवन लोकल लेवल का ज़मींदार नाउ दिस पर्टिकुलर पीपल एंड दैट्स फिफ्टी 1857 के पहले के टाइम पीरियड में ये लोग जब रिवॉल्ट करते थे तब पीजन पॉपुलेशन हैड द वेन टू तो देर अग्रीवेंसेस कि जैसे ही ये लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया ब्राह्मण क्षत्रिय दैट इज इंडिया का ट्रेडिशनल रूलिंग एलाइट तो उनके पीछे पीछे ये भी रिवॉल्ट में शामिल हो जाते थे हाउ जैसे ये मोवमेंट कोलास हो गई देन जो भी एग्रीमेंट बनेगा विद ब्रिटिशर्स उसमें सर्टन पेसीफाइंग ऑब्जेक्टिव वेर देयर फॉर दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन हाउ एवर रिवॉर्ड ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन के बाद ये पर्टिकुलर सेक्शन जो अप्रूव ही हो गया रिवॉल्ट के बाद ये लोग जो है थे ही नहीं ट्रेडिशनल रूलिंग एट एंड पीजेंट हैड टू एंटर ऑन टू द रोड एंड आफ्टर द कैरिड आउट दर मल्टीपल रिबेलियन रिवॉर्ट यान सी सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग की एटीन फिफ्टी सेवन के पहले हम लोगों को पीज मोमेंट ज़्यादा नहीं दिखाई दिए एटीन फिफ्टी सेवन के बाद में हम लोगों को पीज मोमेंट ज्यादा दिखाई दी है इट इज़ बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी कि ब्रिटिश पॉलिसी का एक रिवर्सल अब हम लोग को दिखाई दिया प्री 1857 में ब्रिटिश पॉलिसी वाज वेरी हाई हैंडेड हमने देखा है कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देर वाज जीरो टॉलरेंस टू एनी क्रिटिसिज्म जीरो टॉलरेंस टू गोइंग अगेंस्ट गवर्नमेंट अब एटीन के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल डायरेक्ट है एटीन के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल आएगा देन ब्रिटिश पॉलिसीज हैव चेंज एंड सिंस गवर्नमेंट इज डायरेक्टली रूलिंग इंडिया आफ्टर 1857 का सेवन का लेटर ऑन हम देखेंगे Osionfish. तो उसके वजह से भी पीजन नाउ हैड दैट पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस इन दैम कि धीरे धीरे दे कैन एंटर इन टू द रोड एंड रोड पर आकर अल्टीमेटली दे कैन गो अगेंस्ट गवर्नमेंट दैट ब्रिंग्स अस टू द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल इज़ बेसिकली नेशनलिज्म या फिर नेशनलिस्ट फीलिंग जो अब धीरे धीरे इंडिया में आनी चालू हो गई कि ब्रिटिशर्स आर रॉन्ग फॉर आवर कंट्री एंड इन दैट कैपेसिटी मल्टीपल पीजन मूवमेंट में अब हम देखेंगे भी कि जो न्यू लीडरशिप इंडिया की आई है दैट इज़ नेशनल लीडरशिप दे स्टार्टेड टू सपोर्ट दिस पीजन मूवमेंट लिबरल इंटेलेक्चुअल पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री जो अब नई इंडिया की पॉपुलेशन है नई इंडिया की लीडरशिप आफ्टर 1857 दिस पीपल डायरेक्टली स्टार्टेड टू सपोर्ट पीजेंटाइन पॉपुलेशन इसके वजह से भी जो लैक ऑफ लीडरशिप पहले के ज़माने में थी दैट इज़ प्री एटीन तब का रूलिंग ए लाइट सिर्फ अपने बारे में सोचता था दे यूज टू नॉट थिंक अबाउट पीजेंटाइन पॉपुलेशन अब एटीन बाद वाला जो पॉपुलेशन या फिर लीडरशिप आई है दिस पर्टिकुलर लीडरशिप इज़ थिंकिंग अबाउट द पीजन सो वी कैन साइड दिस पर्टिकुलर रीजन ऑल्सो तो ये ऐसे तीन चार रीज़न बेसिकली वी कैन साइड कि भाई पीजेंटाइन मूवमेंट्स सडनली एनहेंस आफ्टर एटीन फिफ्टी सेवन एटीन फिफ्टी सेवन के बाद हम लोगों को पीजेंटाइन मूवमेंट्स इंडिया में काफ़ी एबोरेट लेवल पर दिखाई देते जबकि प्री एटीन फिफ्टी सेवन में वी आर नॉट एबल टू फाइन दिस पर्टिकुलर मूवमेंट एंड डैट इज़ नॉट वी नीड टू एंटर इन टू कि अब ये जो मल्टीपल पीजेंटाइन मूवमेंट जो इंडिया में हो रहे हैं एक एक करके अब इनके ऊपर जाएंगे सबसे पहले तो ऑब्वियसली फिर इंडिगो रिवॉर्ट इंडिगो रिवॉल्व जो है अर्लीस्ट लेवल पे एटीन फिफ्टी सिक्स से लेके एन हंड्रेड एंड फिफ्टी नाइन एटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी तक दिखा है बेसिकली मेक इट एटीन सिक्सटी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बट इन एनी वेज अल्टीमेटली इन दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम फार्मर्स ऑफ बंगल एरिया स्टार्ट अगेन ब्रिटिश प्लान्ट अल्टीमेटली इंडिगो है क्या इंडिगो इज नथिंग बट अ ब्लू डाय इसके लिए इसको अगर आप लोकल लैंग्वेज में बोलोगे तो इसको नील भी बोला जाता है एंड ब्लू डाई से आप क्या करोगे ब्लू कलर चढ़ाओगे किसके ऊपर चढ़ाओगे तो जो कॉटन टेक्सटाइल आपने बना के रखा है उसके ऊपर आप ब्लू कलर इससे चढ़ाते हो फॉर दिस पर्टिकुलर प्लान अ सर्टन टाइप ऑफ द साइल एज वेल एज एटमोस्फेयरिक कंडीशन आर रिक्वायर्ड और ये आपको बंगाल में काफ़ी अच्छे लेवल पर मिलता है यह हैव वेल्यूबल सॉइल ये हैव है गंगा का पानी एंड ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोविंग ऑफ द इंडिगो प्लान तो यूरोपियन प्लान्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 1857 के सॉरी 1757 हंड्रेड एंड फिफ्टी ऑनवर्ड इट सेल्फ हैड स्टार्टेड टू शिफ्ट इन द एरियाज़ ऑफ बिहार एज वेल एज बंगाल एंड वहाँ पे लोकल लेवल पे अब लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वी हैव सिन की कैसे डिस्ट्रिक्ट अब इज बिकमिंग पाईवोड जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट जज जो बैनलाज यूरोपियन अब बैठे हुए हैं उनके हेल्प के साथ प्लान्ट जो है अब उन्होंने लोकल फार्मर्स को जो है करना चालू कर दिया कि ऑन योर लैंड यू आर रिक्वायर्ड टू ग्रो मैगजिमम इंडिगो एंड अल्टीमेटली अब ये लैंड इनका है भी नहीं ये लैंड अभी ज़मींदार का तो ज़मींदार एंडर आफ्टर यूरोपियन प्लान्टर दे बेसिकली वेंट हैंड इन हैंड एंड उन्होंने अब प्लान्ट को या फिर लोकल लेवल पे फार्मर्स को ऑपरेस करना चालू कर दिया कि भाई आपके जमीन पे यू नीड टू ग्रो इंडिगो ना एंड डैट इज़ हाउ अल्टीमेटली इंडिगो रिबिलियन धीरे धीरे एटीन फिफ्टी सेवन फिफ्टी सेवन के बाद बाहर आया द अर्लीस्ट वेव एटीन फिफ्टी सेवन फिफ्टी सिक्स के अराउंड ही थी जब रिवॉल्ट इंडिया में चल रहा था एंड वीवॉल्व जैसे ही ख़त्म हो गया तो उसके बाद में फिर एटीन फिफ्टी के अराउंड एक मैसिव रिबेलियन इंडिगो रिबेलियन जो बनता हुआ हमको दिखाई दिया है तो 1859-1860 में तो प्रॉपर सारे के सारे फार्मर्स ही रास्ते पे आ गए एंड दे रिफ्यूज टू ग्रो एनी इंडिगो ऑन देयर प्लान या एनी इंडिगो ऑन देअर लैंड एंड धीरे धीरे करके उन्होंने बेसिकली वी कैन से कि अपने जो ट्रेडिशनल लीडर है ये पर्टिकुलर ट्रेडिशनल लीडर मतलब विलेज हेडमैन जो हुआ करते थे उनके हेल्प के साथ रिवॉल्व करना चालू कर दिया फॉर दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ जो यूरोपियन प्लान्टर एंडर ऑफ्टर इवन जमींदार इन्होंने लोकल लेवल पर जो हायर्ड एजेंट रखे थे गोमास्थाज इफ़ यू रिमेंबर गोमास्थाज लठियाल ये कमेटी हम लोगों ने देख के रखी थी तो ऑब्वियसली उनको भी अपने एरिया से भगाना चालू कर दिया एंड फाइनली एटीन सिक्सटी आते आते वीकेंड से ये पर्टिकुलर मोमेंट जो है ब्रिटिशर्स ने कमीशन बना लिया इंडिगो कमीशन ये कमीशन की वजह से सबसाइड हुई तो अब ये पर्टिकुलर रिबेलियन या फिर रिवॉल्ट के अंडर एग्जैक्टली exactly हुआ क्या उसके ऊपर थोड़ा बहुत जाते हैं ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू की सेवनटीन फिफ्टी सेवन के बाद ही हम वाले एरिया में अब हम लोगों को दिखाई देता है कि इंडिगो स्टार्टेड टू बी ग्रोन लुइज बर्नाड वॉज द फर्स्ट पर्सन वी कैन से हु हैड ब्रॉड दिस इंडिगो वाला नॉलेज इन दिस पर्टिकुलर एरिया इन लास्ट के लिए ऐसा नहीं कि पहले इंडिगो नहीं थे पहले भी इंडिगो थे फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ द मुगल इट सेल्फ इंडिगो वॉज ग्रोन ड्यूरिंग इन द बंगॉल एरिया बट ऑब्वियसली दिस फ्रेंच मैन दैट इज लुई बर्नाड वॉज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट यूरोपियन पर्सन टू कम इन दिस एरिया लोकल लेवल पे जमींदार लोगों के साथ अल्टीमेटली उन्होंने एग्रीमेंट कर लिए एंड यहाँ पे एक लार्ज लेवल पे इंडिगो का प्लांटेशन लेना उन्होंने चालू कर दिया हाउ एवर बाई द टाइम पीरियड ऑफ एटीन हंड्रेड एंड थर्टी मोर देन थाउजेंड इंडिगो फैक्ट्रीज जब हम लोगों को अक्रॉस बंगाल में दिखाई देती है ऑब्वियसली इसमें अल्टीमेटली फिर ये लोग क्या करते थे जो इंडिगो प्लान्ट ये लोग फार्मर्स को उनके लैंड के ऊपर इंडिगो ग्रो करने के लिए फोर्स किया करते थे एंड दिस पर्टिकुलर इंडिगो इसको ग्रो करने के लिए कुछ एडवांस लोन दिया जाता था ना एडवांस लोन इसको आप बोलोगे दादानी दादानी जो है बेसिकली या फिर दादान सिस्टम जो है इसको ट्रेडिशनल लेवल पे इंडिया का एडवांस लोन मेकैनिज़म माना जाता है तो एडवांस लोन अगर आपको चाहिए तो उसको आप बोलोगे दादानी या फिर दादान नाम के वर्ड जो उसके लिए हुआ करते थे एंड इसके साथ साथ अल्टीमेटली हम लोग को ये भी दिखाई देता है कि ये एडवांस लोन जो है बहुत ही हाई इन परसेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट पे दिए जाते थे जिसके वजह से दैट पर्टिकुलर फार्मर यूज टू गो इन टू द लाइफ टाइम इंडेप्थनेस कभी कभी तो उसका वो जो इंडेटनेस है या फिर जो डेट उसने वो किया है इट वॉज पास्ड इवन टू द फ्यूचर जनरेशन इसके साथ साथ वेन एवर यू आर गोइंग टू ग्रो इंडिगो तो इंडिग्रो का जो मार्केट रेट है उसका ओनली टू पॉइंट फाइव परसेंट ही आपको दिया जाता था ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ये प्लांटर्स के पास चला जाए ऑब्वियसली क्यों बिकॉज वो जमीन जो है अब धीरे धीरे इनकी नहीं बची हमने देखा था कि यही वाले एरिया में ज़मींदारी सेटलमेंट थी एंड जमीन वॉज ऑफ बेसिकली जमींदार एंड जमींदार जो है इनके साथ सर्टन प्रॉफिट का परसेंटेज शेयर किया जाता था सिंस जमींदार दैम सेल वे गेटिंग प्रॉफिट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैकेजम उन्होंने भी फिर प्रिजेंट एंड पॉपुलेशन के लिए कुछ भी नहीं किया गवर्नमेंट हैड बेसिकली फ्रेम द रूल बट ये रूल भी अल्टीमेटली इन द व्यू और इन द सपोर्ट ऑफ द प्लान्ट से निकले एटीन हंड्रेड एंड थर्टी थ्री में सर्टन रूल जो है दो आर बेसिकली फ्रेम बाय गवर्नमेंट एंड इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को एक क्लियर कट डायरेक्टिव था कि यू हैव टू सपोर्ट प्लांटर्स नॉट द पीजेंटाइन पॉपुलेशन तो पीजेंटाइन पॉपुलेशन जो पहले ही जमींदारी सेटलमेंट की वजह से परेशान था हमने देखा था कि उनके लैंड ओनरशिप के राइट चले गए थे नाउ दे हैव बीन इनटू पीजेंटाइन पॉपुलेशन पॉपुलेशन ओनली वर्किंग एंड इन दैट कैपेसिटी अगर उनको वो लैंड पे रहना है तो जितने भी परसेंटेज लैंड पे वो फार्मर या फिर प्लांटर आके जो बोलेगा कि इंडिगो ग्रोन आपको करनी पड़ेगी अदरवाइज यू विल बी एविक्टेडेड आउट ऑफ योर लैंड बाय जमींदार बिकॉज जमींदार इज दी ओरिजिनल ओनर ऑफ द लैंड ऑब्वियसली इंडिगो के लिए आपको इनपुट कॉस्ट लगता है उसके ऊपर हाई इंटरेस्ट रेट से लोन लेने पड़ते थे वही प्लांटर्स है एंड ये प्लांटर्स के साथ जब आप लोन लोगे देन ऑब्वियसली इट वॉज और इट एंड टिल बेसिकली लाइफ टाइम इंडेप्टेडनेस धीरे धीरे करके आपको ये पर्टिकुलर प्लान पे जितना भी इंडिगो आपने ग्रो किया है उसका ओनली 2.5 पॉइंट फाइव परसेंट ही मार्केट रेट दिया जाता था तो इट वाज अ थोरोली एक्सप्लोटेटिव मैकेनिज्म एंड यही एक्सप्लाटेटिव मैकेनिज्म के खिलाफ फाइनली 1856-57 में जब पहले टाइम पीरियड में सोल्जर्स रिवॉल्टेड तो छोटे छोटे माइनर रिवॉल्ट हमको इंडिगो प्लाट इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ इंडिगो ग्रोवर के या फिर फार्मर के दिखाई दिए है बट फाइनली 1859 में नादिया डिस्ट्रिक्ट में लाज के रिवॉल्व चालू है ये लोकल लेवल के नाम जो है इसको थोड़ा सा याद रखोगे विश्वास ब्रदर धीरे धीरे बेसिकली यही रिवॉल्व जो है अलग अलग एरिया में दैट इज सराउंडिंग एरिया ऑफ कलना में भी स्प्रेड हुए जहाँ पे बेसिकली मंडल के अंडर ये सारी की सारी जो मूवमेंट है वो आई मंडल ने एक बेसिकली मैगजीन भी ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ था जिनका नाम था मित्रिका एंड इंडिगो इनका जो स्टोरी है उसके ऊपर मल्टीपल आर्टिकल्स उन्होंने यहाँ पे पब्लिश करके रखे हुए थे वैसे अनादर री लीडर वॉस गोपाल मंडल तो उन्होंने अल्टीमेटली फिर वॉयलेंस लोकल लेवल पे परफॉर्म किया एंड वॉयलेंस बेसिकली कैरी आउट करके जो लठियाल हुआ करते थे दैट इज़ हायर्ड गुन्स इन ऑर्डर टू कर्व एनी काइंड ऑफ द एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी एट अ लोकल लेवल एज वेल एज टू ऑप्टेन मनी ऑन द बिहाफ ऑफ प्लांटर्स वी कैन से तो उनको वापस से भगा भी दिया था एंड देर आफ्टर मल्टीपल इंडिगो प्लांटर जो उनको पब्लिक ट्रायल दे एग्जीक्यूट करने का काम भी 1859 में हम लोगों को अक्रॉस बंगाल दिखाई दिया है फाइनली ये पर्टिकुलर रिवॉल्ड का रिजल्ट क्या रहा है तो ऑबियसली गवर्नमेंट ने एटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी में इंडिगो कमीशन बना दिया अंडर डब्ल्यू एस सेटनकर यह पर्टिकुलर कमीशन के रिपोर्ट में वन ऑफ द मेम्बर हैड कमेंटेड ई डब्ल्यू एल टॉवर हैड कमेंटेड की नॉट अ चेस्ट ऑफ इंडिगो रीच इंग्लैंड विदाउट बिंग स्ट्रीड विद्यूमन ब्लड हाउ एवर डिस्पाइट क्रिटिसाइजिंग देंटास्टेम यही इंडिगो रिपोर्ट ने प्लान्टस को सपोर्ट कर दिया

the report of the indigo commission together with coming of the chemically produced indigo in the market was responsible for facing out indigo cultivation in bengal ki 1860 ke baad dheere dheere ye teen cheeze jo hai iske wajah se hi ye movement jo khatam hui pehle to intensity of the movement ki violence jab aap carry out karte the to zyada level pe sustain rakhna mushkil hota hai thereafter दूसरा जो है basically जो propaganda related to the report local level पे हुआ, and तीसरा important चीज़ जो है basically वी कैन टॉक अबाउट और सिंथेटिक डाइज जर्मनी ने मार्केट में लाने चालू किए स्टार्टिंग फ्रॉम एटीन एटीज एटीन नाइन्टीज ऑनवर्ड एंड सिंथेटिक डाइज जो है देवर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्राइज ऑफ द इंडिगो जिसकी वजह से अब उसके लिए मार्केट में प्रेफरेंस बढ़ा एंड इंडिगो का मार्केट इंडिया में खत्म हुआ एंड डैट इज ऑफ अल्टीमेटली ये इंडिगो का रिवॉल्व जो है वो खत्म हो गया वी कैन से अगर हम लोग इसमें नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स की बात करें ऑब्वियसली उस टाइम पर मल्टीपल बेंगाली नेशनलिस्ट जैसे हरीश चंद्र मुखर्जी इन्होंने हिंदू पैट्रियट न्यूज़पेपर में फार्मर पीजेंट एंड पॉपुलेशन के सपोर्ट में मल्टीपल आर्टिकल भी लिख के रखे हुए थे एंड आफ्टर दीन बंधु मित्र अ बुक कॉल्ड एज नील दर्पण नील दर्पण इन द सेंस बेसिकली नील प्लांटर या फिर नील ग्लो ग्रोवर नॉट प्लाटर्स सॉरी नील ग्रोवर जो है उनका एक बायोग्राफी काइंड ऑफ बुक था तो उनकी आत्मकथा थी कि उनको हर दिन पे या डेली बेसिस पे प्लांटर्स के वजह से कितने प्रॉब्लम लोकल लेवल पे फेस करने पड़ते हैं एंडर ऑफ्टर इस एसोसिएटेड एक ब्रीफ हिस्टोरियोग्राफी भी है सुभाष भट्टाचार्य का कहना है कि मूमेंट बिगैन एंड एंडेड ए स्ट्रगल अगेंस द प्लांटर तो इसमें बेसिकली कोई आपको इंडिया या फिर इंडिपेंडेंस ऐसे वर्ल्ड अवॉर्ड वोल नहीं डालने हैं वैसे आर सी मुजुमदार का भी कहना है कि इट वॉज अ फोर रनर टू द नॉन वायलेंट पैसि रजिस्टेंस विच वॉज लेटर लेटर ऑन सक्सेसफुली एडॉप्टेड बाई गांधी जी कि ऑब्वियसली इंडिया में नॉन वायलेंट मोमेंट का सारा क्रेडिट हम लोग गांधी जी को ही देते हैं बट गांधी जी के मोवमेंट का एक फोर रनर रहा है इन द सेंस कि मल्टीपल जगह पे फार्मर ने डायरेक्टली स्ट्राइक ही ऑर्गेनाइज करके रखी थी कि वी आर नॉट गोइंग टू ग्रो इंडिगो कम वॉट में तो आप कितना भी अट्रोसिटी करो कि लोकल लेवल पे हम लोग इंडिगो बेसिकली ग्रो ही नहीं करेंगे एंड डेट्स आई फिर आज से मजुमदार का ये स्टेटमेंट एंड दैर आफ्टर फिर जोगेश चंद्र भागत जिनका कहना था इट वॉज अ नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन एंड नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन जो है उसको बेसिकली इन्होंने जस्टिफाई भी अपने बेसिकली हिस्टोरियोग्राफी में करके रखा था एंड इसको बेसिकली एक सक्सेसफुल रिवॉल्व भी बोला है एज़ कम्पेयर टू सिपा रिवॉलॉल्ट इसके वजह से ही बिकॉज सिपा रिवॉलॉल्ट वॉज अ वॉयेंट वो सक्सेस नहीं हुआ नॉन वायलेंट रिवॉल्ट जो है वो सक्सेस हुआ बट बाय लाज ये रिवॉर्ट कभी सक्सेस हुआ ही नहीं है ये बहुत टाइम पर ऐसे अलग अलग स्टेटमेंट आपको दिखाई देते यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेटमेंट एंड यूटिलाइज दिस स्टेटमेंट एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन तो इसको थोड़ा सा याद रखोगे बट बायन लाज आई होप इट इज क्वाल क्लियर कि एटीन सिक्सटी सिक्सटी वन आते आते अल्टीमेटली जो तीन फैक्टर नूरुल चौधरी ने बता के रखे थे उनके वजह से ये मूवमेंट फीड अवे हुई है एज सच कोई भी फायदा जो है लोकल लेवल के प्लांटर्स को हुआ ही नहीं लेटर ऑन यही वाली मूवमेंट जो है एक और बार होगी दैट इज़ चंपारण सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी तो उसके ऊपर भी बात करेंगे बट बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1910, 1920 एंड आते आते प्लाटर्स डेंसेल लेफ्ट बंगाल बिकॉज ऑफ सिंथेटिक डाइज आ चुके थे उनके इंडिगो का मार्केट वैल्यू यूरोपियन मार्केट में कोलैप्स हो चुका था ियनियन राइट काफी आता है इट वॉज एक्ट टू डू समन रिवॉल्ट या फिर अमेरिकन सिविल वॉर वी कैन से अमेरिकन सिविल वॉर वॉज कंडक्टेड इन बिटवीन एटीन सिक्सटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी फोर

ये इतना ज़्यादा फ्लेयर अप हो गया कि अल्टीमेटली साउथर्न स्टेट ससीडेड एंड दे डिक्लेयर डेम इंडिपेंडेंट अब ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस रोकने के लिए नॉर्थ ने साउथ पर अटैक कर दिया एंड इन दैट कैपेसिटी अमेरिकन सिविल वॉर जो इट स्टार्टेड अटैक नॉर्थ से नहीं आया था अटैक साउथ से ही नॉर्थ पर आया था बट बाय लाजी सिविल वॉर के सीनेरियल जो डेवलप्ट हो गए अभी सिविल वॉर का दक्षण अगरियन राइट का क्या लेना देना तो प्लेन सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें तो मैंने आपको पहले ही बता के रखा था कि इफ़ यू रिमेंबर सेवेंटीन हंड्रेड एंड एटी टू के अराउंड ब्रिटन हैड टेक दैट डिसीजन एंड विल डिस डिसीजन कि उनको अब इंडिया के ऊपर कॉलोनाइजेशन चलाना है क्यों बिकॉज इंडिया के पॉस्ट उनको जो कमोडिटी चाहिए वो सबसे ज्यादा है बिकॉज ब्रिटेन ने पहले ही अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू किया था सेवनटीन फिफ्टी में एंड डैट पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज कॉटन बेस्ड बट ये कॉटन आता कहाँ से था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दैट इज यू एस से आ रहा था एंड दैट इज़ वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ब्रिटेन के लिए अमेरिका की पोजिशन हमेशा से सिग्निफिकेंट उसी एंगल में थी कि वहाँ से जो रॉ कमोडिटीज़ आएगी उसी को इस्तेमाल करके इन लोगों ने अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन चला के रखा था एंड वो इंडस्ट्रियलाइजेशन अब अगर सस्टेन रखना है तो आपको कॉटन तो चाहिए ऑब्वियसली अमेरिका बिकेम इंडिपेंडेंट इन्होंने इंडिया भी कैप्चर करके रखा था बट फिर भी इंडियन वराइटी ऑफ कॉटन इज़ इन्फीरियर एज़ कम्पेयर टू तो अमेरिकन वराइटी ऑफ कॉटन एंड इन दैट कपैसिटी अमेरिका के साथ इन्होंने वापस अपने ट्रेड रिलेशन अच्छे किए स्टार्टिंग फ्राम सेवनटीन हंड्रेड एंड नाइन्टी ऑन वर्ल्ड एंडर आफ्टर वहाँ से huge amount of cotton ही ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉटन ये लोग इम्पोर्ट करते ही थे इसके बाद हमने देखा भी था कि इंडिया का मकसद जो है अल्टीमेटली इनके लिए क्या थाज मार्केट एंडर आफ्टर मल्टीपल रॉ मटेरियल को सप्लाई करना उसके लिए उन्होंने अपनी इकोनॉमिकल पॉलिसी चलाई विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड बट फ्राम द ब्रिटेज पर्स्पेक्टिव एटीन सिक्सटी वन टू एटीन सिक्सटी फाइव वॉज नॉट गुड टाइम पीर बिकॉज ऑफ यही अमेरिका जो है सिविल वॉर में चला गया एंड वंस यर कंट्री इज अंडर द वॉर फेयर फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थोड़ी ना लोगे आप कंट्री में सब जगह पर युद्ध चल रहा है आपकी कंट्री में एंड इफ वॉर इज रेंजिंग एक्रॉस यूर कंट्री हाउ आर यू गोइंग टू कैरी आउट एग्रीकल्चर एंड डैट्स वाय देर वॉज टोटल स्लम्प ऑफ कॉटन इन अमेरिकन मार्केट अमेरिकन मार्केट में जैसे ही कॉटन खत्म हो गया या फिर टोटल स्लम्प आया तो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट ने अल्टीमेटली फिर इंडिया में बैठा हुआ कॉटन जो है वो खरीदना चालू कर दिया एंड इंडिया से अल्टीमेटली जब कॉटन आएगा तो ऑब्वियसली ये कॉटन इंडिया में सबसे ज्यादा मिलता कहाँ पर है दखंड में मिलता है एंड दखंड में बेसिकली ब्लैक सॉइल इज देयर यही ब्लैक सॉइल में अल्टीमेटली आपको कॉटन जो है उसका प्रोडक्शन दिखाई देगा एंड दैट इज वॉट हैपन इन देन बॉम्बे प्रोविंस अल्टीमेटली 1862, 1863 से देर वॉज सडन राइज इन द प्राइजेस ऑफ कॉटन बिकॉज ऑफ बेसिकली यूरोपियन प्लांटर या फिर यूरोपियन इंडस्ट्रियलिस्ट वी कैन से बॉम्बे में आके ये सारा कमोडिटी खरीदता था फॉर दैट पर्पज अल्टीमेटली दे स्टार्टेड टू गिव एडवांस मनी टू बॉम्बे बेस्ड ट्रेडर बॉम्बे बेस्ड ट्रेडर ने एडवांस मनी अपने जेब में डाला एंड जेब में डाल अल्टीमेटली इसको फार्मर को भी देना चालू कर दिया था हायर एक्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट जिसके वजह से फार्मर जो है वो इंडपनेस में चला गया बट कॉटन का डिमांड इतना हैवी था ब्रिटेन में कि इसके वजह से फिर 1865 तक कोई प्रॉब्लम हुए ही नहीं कि 1865 तक अल्टीमेटली अमेरिका से सॉरी ब्रिटेन से पैसा आ रहा है इंडिया के ट्रेडर को इंडिया के ट्रेडर अल्टीमेटली इट इज़ गिविंग एज एन एडवांस लोन टू द फार्मर ऑफ़ दन यानी एडवांस लोन हायर रेट पर भी दे रहे थे हाउ फार्मर को उतना ही पैसा रिटर्न भी आ रहा था टिल एटीन बिकॉज सारा ही कॉटन अब इंडिया से जा रहा है अमेरिका का कॉटन इज़ नॉट देयर बट 1865 में फाइनली सिविल वॉर खत्म हुआ सिविल वॉर जो है बेसिकली उसमें नॉर्थ बिकम विक्टोरिया साउथ गॉट डिफ़ीटेड अल्टीमेटली अब्राहम लिंकन हुआ द प्रेसिडेंट एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम ही वॉज मर्डर्ड बिकॉज ऑफ़ दिस पर्टिकुलर एंगल एंड उनके मरने के बाद बारह लाख सिविल वॉर फिर कोलासी हो गया नॉर्थ साउथ इंटीग्रेट हुआ एंड एटीन सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सेवन ऑनवर्ड फिर अमेरिका ने वापस से अपना जो एग्रेरियन प्रोडक्शन जो वो गेन कर लिया एंड 1867 हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवन में जैसी अग्रैरियन प्रोडक्शन उन्होंने गेन कर लिया तो ब्रिटेन में बैठा हुआ इंडिया स्टालीस वापिस से अमेरिका के पास ही जाएगा अब वो इंडिया के ऊपर क्यों आएगा एंड दट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्टेड 1868, 1869 एट एटीन एंड सिक्सटी आफ्टर फिर 1870. हंड्रेड एंड कॉटन प्राइजेज जो है मार्केट में डाउन जा रहे हैं बट बेसिकली जो फार्मर बैठा हुआ है दखन में उसको ये चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है कि भाई ये चीज़ क्यों हो रही है एंड इन मीन टाइम अल्टीमेटली जो ट्रेडर जो बैठा हुआ था वो भी बेचारा विलेज विलेज लेवल पर बैठा था उसको भी ज़्यादा आइडिया नहीं थी एक्जैक्टली exactly क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो उसने तो लोन एडवांस का करना चालू रखे एट अ हायर एग्जॉर्बिटन रेट दक्खन के फार्मर में वो लोन लिया भी एंड दर आफ्टर होपिंग कि अगले साल कॉटन प्रोडक्शन हायर आए तो उसके वजह से अल्टीमेटली एक हायर कॉटन प्रोडक्शन भी लिया बट वैल्यू जो है वो कम वैल्यू कम वैल्यू कम एंड फाइनली 1870 आते आते फिर सारी चीज़ें जो बाहर आनी चालू हो गई कि 1870 आते आते फिर दखन में बैठा हुआ हर एक फार्मर जो है हु इज़ अ कॉटन ग्रोवर फार्मर ही वॉज इन हैवी इंडेप्टनेस उसको अब ये भी पता चल गया कि उसकी पूरी ज़मीन एंड डराफ्ट उसकी पूरी जिंदगी अब लोन शाख्स के पास चली गई है एक मनी लैंडर या फिर ट्रेडर जिसके पास से आपने लोन लिया था ही इज़ कमिंग एट योर होम आपका ज़मीन जो है वो कॉन्फिस्केट कर रहा है आपके ओनरशिप के राइट जो अब उसके पास जा रहे हैं ओबियसली वाली एरिया में रेत वाली सेटलमेंट है तो यहां पे बैठा हुआ जो फार्मर है वही यहां पे ओनर भी है एंड इसके वजह से अल्टीमेटली रायट्स हुए इनिशियल लेवल पे 1870-71 से पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर मनी लेंडर चालू हुआ बट फाइनली 1875 में फिर दखन में बैठे हुए जो फार्मर है दे कैरिड आउट लास्ट स्केल राइट्स अगेंस्ट जैन एंड मारवाड़ी ट्रेडर एज वेल एज मनी लैंडर तो मनी लेंडर एज वेल एज ट्रेडर के खिलाफ जो है इन्होंने फिर लास्ट स्केल रायट ही चालू किया द ऑब्जेक्टिव ऑज सिंपल कि हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को जैन एंड मारवाड़ी लोगों का घर टारगेट करना है एंड उनके पास बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेटेड टू द एंटायर वॉरफे दिस वन दैट इज बेसिकली यू कैन टॉक अबाउट लैंड रिकॉर्ड वाले डॉक्यूमेंट जो इन्होंने मॉडगेज में रखे थे फार्मर्स ने इन वे ऑफ द कैश उसको उठा के जला देना है या फिर उसको अपने पास वापस ले लेना है एंड फॉर देट पर्पज अल्टीमेटली लास्ट के राइड्स इन्होंने चालू किए अल्टीमेटली एटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव में ही गवर्नमेंट हैड टू अप्रोज टू द आर्मी आर्मी को लगाना पड़ा दक्खन वाले एरिया में एंड फाइनली एटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी नाइन में फिर दक्खन एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट जो है ये बेसिकली गवर्नमेंट ने बनाया इन ऑर्डर टू गिव रिलीफ टू द फार्मर ऑफ़ दखन पॉपुलेशन एंड देट इज़ समट वी कैन से दखन एग्रियन रॉड कि एटीन सिक्सटी से पहले थ्री फोर्थ ऑफ द रॉ रॉ कॉटन ब्रिटेन का यूनाइटेड स्टेट्स से ही आ रहा था बट ऑब्वियसली इन दैट कपैसिटी अमेरिकन सिविल वॉर एंड अमेरिकन सिविल वॉर से अल्टीमेटली हुए प्रॉब्लम एंड देट्स ए इंडिया वॉज द सेवियर इंडिया ने फिर कॉटन ग्रो बढ़ाया कॉटन कंजम सॉरी ग्रो कॉटन क्रॉप बढ़ाने के बाद यही कॉटन इंडिया ने देना चालू कर दिया टू द ब्रिटेन अल्टीमेटली यहाँ पर हम लोगों को ये भी दिखाई देता है कि मनी लैंडर्स ने अल्टीमेटली जो भी पैसा ब्रिटेन से आ रहा था उसको डेट में कन्वर्ट कर दिया फॉर द रेत एक्चुअल में तो आपको ये एडवांस ऐसे ही देने चाहिए थे कि जितना पैसा आया वो फ्री ऑफ कॉस्ट जब बेसिकली पीजन को दे दो ताकि ईजे इनपुट कॉस्ट वो यूज़ करेंगे एंडर आफ्टर उस उससे मतलब अपना प्रोडक्शन लेना चालू करेंगे बट सिविल वॉर जैसे ही खत्म हो गया देन ऑब्वियसली कॉटन के प्राइस लम एंड कॉटन के प्राइस लम होने के बाद फिर एटीन सिक्सटी एट से ये प्रॉब्लम चालू हुआ कि इनिशियल लेवल पर इन्होंने फिर पीसफुल प्रोटेस्ट करने चालू कर दिए थे अगेंस्ट मनी लेंडर मारवाड़ी एज वेल एज गुजराती मनी लेंडर बस स्टार्टिंग फ्रॉम 1875 फिर रिवॉल्व जो है ये बेसिकली राइड्स में ही कन्वर्ट हुआ ऑब्वियसली इनको वही करना था कि बॉन्ड या फिर डिक्रीज या फिर डॉक्यूमेंट जो मनी लेंडर के पास थे वो उठा के अल्टीमेटली जला देने हैं एंड इन दैट कैपेसिटी इन्होंने फिर सिस्टमेटिक अटैक किया मनी लेंडर के घरों पर एंड आफ्टर दे हैड ऑल्सो सोशली बॉयकॉटेड मनी लेंडर फाइनली 1879 आते आते वी कैन से कि दक्खन एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट एक नया एक्ट बना इसमें मल्टीपल यू कैन टॉक अबाउट बेसिकली जो ये है दैट इज़ बेनिफिट ऑफर टू द फार्मर पीजेंट इन पॉपुलेशन सबसे पहले तो अटैचमेंट जो है बेसिकली लैंड का ऑक्शनिंग ऑफ द लैंड या फिर टूल्स या फिर कैटल या फिर अन मॉडगे लैंड ये सब बेसिकली गवर्नमेंट ने स्टॉप करवा दिया देर आफ्टर जो इंडेक्टर है या फिर डेट्टर है मतलब जिसने कर्जा लेकर रखा हुआ है उसको अरेस्ट या फिर इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा देर आफ्टर अल्टीमेटली वो जो बेसिकली जिस बंदे ने लोन लिया है डेट्टर उसको इंसॉलवेंसी डिक्लेयर करने के भी राइट्स मिल गए एंड दर आफ्टर अल्टीमेटली जुडिशल एंड आर्बिट्रेशनल फैसिलिटी जो है वो भी प्रोवाइड की जाएगी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है फार्मर पॉपुलेशन में मनी लैंडर में देन ऑब्वियसली कम टू द फॉर्मल मैकेनिज्म वेयर बाय एन एमिकेबल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन विल भी देर नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स की बात करें तो ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पूरा सार्वजनिक सभा इफ यू रिमेंबर एटीन सिक्सटी के बीच में बनी आत्माराम पांडुरंग दर आफ्टर एम जी रानड़े के अंडर आई तो इन्होंने इनके कॉज के लिए काम किया हुआ था एम जी राना हिमसेल्फ वेंट इन टू द एरिया ऑफ अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट एंड वहाँ पर जाके पीजेंटाइन पॉपुलेशन को शांत करना उनसे पटिशन जमा करना एंड ब्रिटिशर्स को करना तो ये काम इन्होंने करके रखे थे इसी टाइम पीरियड में बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर दखन एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट वासुदेव बलवन फड़के जो है ही इज़ बेसिकली ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ऑफ आवर कंट्री उन्होंने रेवोल्यूशन जो चालू कर दिए थे विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ़ एस्टैब्लिशिंग इंडियन रिपब्लिक बट ब्रिटिशर्स ने अल्टीमेटली उनको अरेस्ट कर लिया अरेस्ट करके अडेन में भेजा हॉगस तो दिस इज समी कैन टॉक अबाउट दखन अग्रैरियन राइट दैट्स पीजन मोमेंट और पावना मोवमेंट अब इसके ऊपर जाता है एज फार एज पावना मोवमेंट ये अगेन बंगाल वाली मोमेंट है एंड ये मोवमेंट जो है ये भी पोस्ट एटीन फिफ्टी सेवन वाली मोमेंट आपको दिखाई देगी सबसे पहले अगर बात करें तो ऑबियसली यहाँ पे ज़मींदारी राइट या फिर जमींदारी सेटलमेंट चल रही है अगेन बंगाल वाला एरिया है एंड पे दैट इज़ बंगाल वाला एरिया में देर वॉज एन एक्ट एक्स ऑफ एटीन ये नाइन एक्ट एक्स ऑफ एटीन से जो टेनेंट है उनको ऑक्यूपेंसी राइट जो है बेसिकली प्रोवाइड किए गए थे अगर बेसिकली उन्होंने 12 इयर्स के लिए रेंट पे करके रखा हुआ है मतलब ज़मींदारी में एक ज़मींदार बैठा हुआ है ये ज़मींदार के अंडर अब लैंड ओनरशिप का राइट है अब इसमें से, से फॉर एग्जाम्पल ये एक लैंड एक्स वाई जेड बंदे का है एंड ये एक्स वाई जेड बंदा जो है क्या है बेसिकली वहाँ पे बैठा हुआ है अब एक ज़माने में वो ओनर ही था बट अब जमींदार के पास आपने सारी ओनरशिप दे के रखी है तो ही बेसिकली गॉट कन्वर्टेड इन टू पीजेंटा पॉपुलेशन एंड पीजेंट को अल्टीमेटली आप एविक कर सकते हो जब चाहे तब बट अगर वो पीजेंट के पास अगर ऑक्यूपन्सी राइट है ऑक्युपेंसी राइट right, अगर उसके पास रहेंगे दन दैट पर्टिकुलर पीजन कैन नॉट बी एडिक्टेड विदाउट लीगल प्रोसीजर एंड वो पर्टिकुलर ऑक्युपेंसी राइट पीजेंट के पास कब आएंगे अगर वो बारह साल के लिए स्ट्रेट अपना रेंट भर रहा है तो ऑब्वियसली इट वॉज अ क्वाइट गुड थिंग फॉर द पीजन बिकॉज ऑब्वियसली वन पीजेंट वॉज दैट ऑन दैट पर्टिकुलर लैंड तो ऑब्वियसली वही पे जिंदगी भर रहता था इनफैक्ट मेजोरिटी ऑफ द पीजन टाइम पॉपुलेशन अक्रॉस बैगॉल वॉज द एक्चुअल ओनर ऑफ द लैंड वन अपन टाइम पीरियड ये तो ब्रिटिशर्स ने कॉन वॉलिस ने सेवनटीन नाइनटी सेवनटीन नाइन्टी थ्री में आउट ऑफ नोवेयर डिक्लेयर कर दिया कि पिजेंट पॉपुलेशन इज नो लॉन्गर द ओनर द रियल ओनर विल बी द जमींदारी पीपल uh, या फिर जमींदार एंड दैट्स अक्यूपेंसी राइट वॉज अ काइंड ऑफ द रिलीफ टू द लोकल पॉपुलेशन अल्टीमेटली यही पर्टिकुलर एक्ट में हम लोगों को ये भी देखे दिखा के रखा है कि जमींदार जो है वो रेंट जो है ओनली थ्री ओकेजन में ही क्या करेगा इंक्रीज करेगा कि जब बेसिकली रईय जो है उन्होंने बेसिकली लेस रेंट पे किया है एज़ कम्पेयर टू नेबरिंग एरिया कि आपका लैंड एंडर आफ्टर बाजू वाले विलेज का लैंड सेम है आपके लैंड में बाजू वाले विलेज के लैंड में टेन के जी राइस ही आया है एंड बाजू वाला विलेज का बंदा जो है पाँच के जी का टैक्स दे रहा है और आप सिर्फ तीन के जी का टैक्स दे रहे हो तो ज़मींदार कैन इंक्रीज योर रेंट वैसे ही अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ़ द प्रोड्यूस इंक्रीज़ कि लास्ट ईयर में टेन के जी राइस जो है दस रुपये को बिका था बट इस बार वो बीस रुपये को बिका है तो इन दट कपैसिटी ऑल्सो वी कैन से नाउ टेन से लेकर ट्वेंटी तक का इंक्रीज हुआ तो आउट ऑफ ट्वेंटी रुपीज़ तो ऑब्वियसली फिर आपको रेंट जो है उस हिसाब से बढ़ा का, बढ़ाना जायज़ है इट इज़ अलाउड एंडर आफ्टर इफ रेयत पेड रेंट फॉर द लेस लैंड एक्चुअल हेल्थ कि रेयत दैट इज़ ऑल बेसिकली पीजन इज हैविंग टेन एकर्स अंडर दैम बट दे आर कल्टिवेटिंग ओनली फाइव एकर ऑफ द लैंड एंड इन दैट कैपेसिटी ऑनली फाइवकर लैंड का ही लैंड रेंट जो है वो पे करे तो ये भी नहीं चलेगा पूरे ही लैंड का आपको रेंट पे करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली दिस वॉज ऑल्सो अ काइंड ऑफ द सेफ गार्ड यू कैन से अगेंस्ट एनहैंसमेंट ऑफ द रेंट वरना प्रॉब्लम वही है ना कि जमींदार को पता है कि उसके अंदर की जमीन में अगर एक पीजेंट को वो कभी भी निकाल सकता है बट अगर उसका ऑक्युपेंसी राइट मिल गया तो मुश्किल है एंड ऑक्युपेंसी राइट कब मिलेंगे तो ट्वेल्व ईयर्स का रेंट जब वो पे करेगा तब तो एट द टेंथ ईयर या फिर एट द एलेवेंथ ईयर ये ज़मींदार जो है ये इनके रेंट के वैल्यू डायरेक्टली बढ़ा देते थे कि लास्ट ईयर आपने रेंट भराया पाँच रुपए का तो इस बार जो है मेरी ज़मीन है आई एम टेलिंग यू अब आप पचास रुपए का रेंट भरोगे तो वो भर ही नहीं पाएगा वो बेचारा बंदा एंड इन दैट कैपेसिटी जो आपको ट्वेल्थ कंटिन्यूस ईयर के लिए रेंट पेमेंट करना पड़ेगा वो आप कर नहीं पाओगे एंड अल्टीमेटली वी कैन से कि ऑक्यूपेंसी राइट पीजेंट को जा ही नहीं देते एंड फाइनली ट्रिगरिंग पॉइंट जो है वो हुआ जूट के ऊपर अब ये जूट के ऊपर ये ट्रिगर कैसे हुआ उसकी थोड़ी बहुत बात करते हैं ऑब्वियसली पावना वाले एरिया में जूट वॉज द मेजर कैश क्रॉप इंडिगो नहीं था यहाँ पे जूट था जूट वॉज वॉज बेसिकली अ वेरी गुड पैकेजिंग मटेरियल जैसे आज के टाइम पे कागज़ का पैकेजिंग मटेरियल बनता है एंड बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री तो वैसे एक ज़माने में गोनी होती थी एंड ये गोनी आपने कभी तो देखी भी होगी ये गोनिया जो है बेसिकली जूट के मटेरियल की बनती है तो ये जो जूट है इट वॉज़ अ वेरी गुड पैकेजिंग मटेरियल एंड यही जूट जो है इसका बेसिकली बिजनेस जो है यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम 1790 1800 एंड ऑनवर्ड जो है इंट्रोड्यूस हुआ था बट ऑब्वियसली जूट का जो डिमांड है इंटरनेशनल लेवल पे स्लम्प होना चालू कर दिया था ये स्लम्प जो है बेसिकली 1850 से ही दिखा है बट जो एक्चुअल स्लम्प आया दैट इज़ एटीन का वो थोड़ा सा ज़्यादा ही डेंजरस था ऑब्वियसली जैसे ही स्लम्प आया तो आपका जूट का जो प्रोड्यूस है ये प्रोड्यूस का वैल्यू भी तो गिर गया एंड अगर जूट के प्रोड्यूस का वैल्यू गिर गया तो कंसिक्वेंटली ऑबवियसली आपका ये जो है दैट इज दैट इज दिस इज बेसिकली टैक्स वो तो कम हो जाएगा बिकॉज वो परसेंटेज के ऊपर होता है बट रेंट तो कम नहीं हो रहा है ना रेंट तो आपने डिजिट में मांगा सौ रुपये दो 200 दो सौ रुपये दो फाइव हंड्रेड रुपीज़ दो एंड इन दैट कैपेसिटी फार्मर स्टार्टेड टू एजिटेट विद द जमींदार की सी वी डोंट हैव मनी एंड इफ वी आर नॉट हैविंग मनी देन ऑब्वियसली आपको क्या करना है तो ऑब्वियसली आपको जो है बेसिकली आपका वैल्यू जो है रेंट का कम करना है ना को इंसिडेंटली यू कैन से एक्ट टेन ऑफ एटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी नाइन एटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी नाइन में ही लागू हुआ था कि किन्स फॉर ट्वेल्व ईयर्स अगर आप कंटिन्यूसली पे करोगे रेंट तब जाके अल्टीमेटली आपको ऑक्युपेंसी आप राइट मिलेंगे एटीन सेवेंटी टू एटीन सेवेंटी थ्री वॉज रफली ट्वेल्व इलेवन ईयर्स कंप्लीशन का टाइम पीरियड एंड फार्मर्स ने अल्टीमेटली वही बोला था कि अगर आप बेसिकली रेंट कम करोगे वी आर एबल टू पे और हमको ऑक्युपेंसी राइट मिल जाएगा बट जमींदार को तो बना बनाया मौका मिल गया ना उन्होंने रेंट कम ही नहीं किया

एंड अल्टीमेटली इन्होंने ज़मींदार के खिलाफ वायलेंस भी लोकल लेवल पर कैरी आउट किया था फॉर दैट पर्पज रिबेल आर्मी तक बना के रखी थी कि जमींदार का कोई भी गुण लोकल लेवल पे आएगा देन वो गुण को हम लोग पकड़ेंगे उसको मारेंगे एंड उसको कोई भी टैक्स या फिर रेंट जो अभी हम लोग नहीं देंगे फाइनली एटीन में जैसी चीज़ें चालू हो गई देन ऑब्वियसली बंगाल के गवर्नर थे एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम जॉर्ज कैम्बल उन्होंने ही बेसिकली पाबना में आके पीजन से रिक्वेस्ट किया कि यू शॉल बेसिकली टेक रिकोर्स ऑफ द जुडिशियल मैकेनिज्म दैट आर अवेलेबल एंड इन दैट कैपेसिटी उन्होंने ये भी डिक्लेयर करके रखा था कि गवर्नमेंट इज विथ यू एंड गवर्नमेंट जैसे ही विथ यू अपने बोल के रखा देन ऑब्वियसली उन्होंने लोकल लेवल पर पहले तो पीजन पॉपुलेशन को शान किया एक बेसिकली वी कैन से एक लीगल मैकेनिज्म ओपन अप करके दिया जितने भी बंगाल के पीजन के कामना के पीजन के जो ग्रीवेंसेज थे वो इन्होंने भेजने चालू किए टू द लोकल कोर्ट एंड लोकल कोर्ट में जाकर उसका सोलूशन निकलवाना निकल भी चालू किया एंड फिर जो जहाँ जहाँ पे वॉयलेंस हुआ वहाँ वहाँ पे फिर पुलिस एक्शन जो वो भी ली गई एंड इन द फेस ऑफ द पुलिस एक्शन एज वेल एज फेमाइन भी इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आया एंड एंडर आफ्टर जॉर्ज कैम्बल ने जो अश्योरेंस दिया था कि गवर्नमेंट इज़ फॉर यू उसकी वजह से ये मूवमेंट जो फेड आउट हुई फाइनली एटीन में बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है वो लाया गया एंड एटीन हंड्रेड एंड एटी फाइव का जो बंगाल टेनेंसी एक्ट है उसमें अल्टीमेटली टेनेंट के प्रोटेक्शन के जो मेजर है वो लोकल लेवल पे एनफोर्स करने का काम हुआ देयर बाय प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द पीजेंटाइन या फिर टेनेंट पॉपुलेशन वी कैन सी तो दिस आर थ्री वी कैन से इम्पॉर्टेंट पीजेंटाइन अपराइजिंग दैट वर हैपनिंग इन आवर कंट्री एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम इसमें बस दो ही चीजें याद रखनी है कि प्रिलम पर्सपेक्टिव से यही तीन रिवेलियन जो है वापस से घीसी पीटी यूपीएससी पूछता है एंड मेन्स पर्स्पेक्टिव से एक सवाल आपको आने के चांसेस है कि एटीन फिफ्टी सेवन के पहले रिवॉल्ट नहीं है एटीन फिफ्टी सेवन के बाद रिवॉल्ट है तो ऐसा क्यों भाई तो उसके भी तीन चार रीजन हमने स्टार्टिंग में देखे एंडर आफ्टर नेचर हो सकता है सिग्नीफिकेंस हो सकता है ऑफ पीजन मोमेंट आफ्टर एटीन फिफ्टी सेवन तो उसके भी सर्टन बेसिकली एवेन्यूज़ वी नीड टू सी कि नेचर भी हो सकता है फिर सिग्निफिकेंस भी हो सकता है ये सारी चीज़ों में यही वाले पॉइंट भी आप डाल सकते हो कि सबसे पहले तो है अवेयरनेस ऑफ द कॉलोनियल नेचर अवेयरनेस ऑफ द कॉलोनियल नेचर का क्या मतलब है कि अल्टीमेटली कॉलोनियल पीपल आर नॉट गुड फॉर अस कॉलोनियल पीपल भले ही लोकल लेवल पे सर्टन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म इकोनॉमिकल पॉलिटिकल रिफॉर्म कर रहे हैं बट द ट्रू नेचर इज एक्सप्लाइटेशन एंड ये एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ अगर हम लोग रास्ते पे नहीं आए आवाज़ नहीं उठाई देन ऑब्वियसली अवर नॉट नॉटेंस विल नॉट बी टेकन केयर ऑफ बाई द गवर्नमेंट दर आफ्टर असर्शन ऑफ द लीगल राइट इसके एग्जाम्पल भी हमने देखे हैं कि मल्टीपल जगह पर अल्टीमेटली पीजन को अपीस करने के लिए उनके लीगल राइट्स इन्वोक किए जस्टिस रानड़े हो सकते हैं एस एन बैनर्जी हो सकते हैं दे टुक पटिशन फ्रॉम द पीजन सबमिटेड टू द गवर्नमेंट एंड फोर्स गवर्नमेंट टू वर्क फॉर द पीजन दैट्स आई डिस्पाइट हैविंग सर्टन डिग्री ऑफ वायलेंस एसोसिएटेड विद दिस मोमन कॉलोनियल गवर्नमेंट को अल्टीमेटली कमीशन बनाने पड़े इन ऑर्डर टू एंक्वायर इन टू द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीजेंट इन पॉपुलेशन जिसके वजह से पीजेंटाइन पॉपुलेशन को अब ये पता चला कि पीसफुल मोमेंट कैसे की जाती है एंड दर आफ्टर पटिशन कैसे भेजे जाते हैं एंड दर आफ्टर उनके राइट्स जो है अब नई डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम जो इंडिया में लग रही है उसमें क्या है दर आफ्टर रोल ऑफ लीडरशिप फॉर द फर्स्ट टाइम इन टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इयर्स इन आवर कंट्री नाउ देर वॉज नो ब्राह्मण नो क्षत्रिय नो जमींदार टू लीड दिस पर्टिकुलर सेक्शन पीजेंट में से ही एक लीडर उठ के बाहर आया उन्होंने ही पीजेंट लोगों को ऑर्गेनाइज़ किया रास्ते दिखाए कि भाई मोमेंट की कैसे जाती है एंडर आफ्टर फिर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन कि धीरे धीरे करके एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एट अ लोकल लेवल हमको दिखाई दिए कि ये पर्टिकुलर मोमेंट के वजह से जो कास्ट बैरियर थे विलेज लेवल पे या फिर वी कैन इवन टॉक रिलीजियस बैरियर थे लोकल लेवल पे वो ब्रेक डाउन होने चालू हुए एंड सोशल हारमोनी इंडिया के विलेज लेवल पे आने भी चालू हो गए बिकॉज जब आप मूवमेंट करते हो तो आपको एक साथ आके मूवमेंट करनी पड़ेगी फिर मूवमेंट में देर इज नो हिंदू मुस्लिम देर इज़ नो बेसिकली वैश्य शूद्र एंड दैट इज़ वॉट वी कैन सी एट अ लोकल लेवल एंड दैट इज़ बेसिकली द सिग्निफिकेंस ऑफ द पीस एंड टाइम मोवमेंट वैसे इनके कुछ लिमिटेशन भी रहे हैं कि लिमिटेशंस में वही जो हम लोगों ने इवन सिविल अपराइजिंग के टाइम पीरियड पे देखे थे कि सबसे पहले एंड सबसे फॉरमोस्ट तो लैक ऑफ द टेरिटोरियल रीच इनका टेरिटोरियल रीच हमेशा से लिमिटेड रहा है एंड इन दैट कैपेसिटी इन लोगों ने हमेशा से फोकस जो है अपने विलेज अपने ग्रीवेंसेस अपना डिस्ट्रिक्ट उसी पर कर करके रखा हुआ था देर आफ्टर लैक ऑफ लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन कि अगर आपके ग्रीवेंसेस है तो देर हैज़ टू बी अस्टमेटिक चैनल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी या फिर ऑर्गेनाइजेशन इन बिटवीन यू एंड गवर्नमेंट बट ऑबियसली ये भी एक लैक ऑफ लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन है इनका हमेशा से लिमिटेशन रहा कि ग्रीवेंसेज के टाइम पे तो छोटे मोटे लीग बना लेंगे ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे बट देर वॉज नो परमानेंसी इन दैम जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो अल्टीमेटली पीजेंट विल रियलाइज इट जो लेटर ऑन हम बात भी करेंगे कि किसान सभा अक्रॉस इंडिया स्प्रैंगक हो गई आफ्टर नाइनटीन ट्वेंटी तो नाइनटीन ट्वेंटी के बाद वो वाला एंगल हम देखेंगे कि अब पीजेंट भी अपने मिस्टेक्स से सीखे एंड उन्होंने अपने परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाए नाइनटीन ट्वेंटीज़ अराउंड फिर किसान सभा अक्रॉस कंट्री आनी चालू हो गई एंड फिर ऑल इंडिया किसान सभा मूवमेंट 1936 में स्वामी शाहजानंद सरस्वती के अंडर बनती हुई दिखाई देगी लैक ऑफ एडिकुएट अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली इनका भी जो आउटलुक है वो ट्रेडिशनल ही था कि ब्रिटिशर्स अगर अपने खिलाफ़ एट्रॉसिटी कर रहे हैं तो हम लोग बेसिकली रिवॉल्व करेंगे और ब्रिटिश ऑफिशियल को मारेंगे जो सेम टेंडेंसी इवन सिविल रिबेलियन के लोगों ने भी दिखाई है तो ये भी बेसिकली जो है लिमिटेशन रहा है कि आपको एक एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ़ आपको लड़ना है तो आपको कैसे रखना लड़ना है Britishers are not an individual; they are an institution. And in that capacity. If you are fighting against institution, आप एक बंदे को मारोगे उसके जगह दूसरा बंदा आएगा उसको मारोगे उसके जगह तीसरा बंदा आएगा तो दैट इज़ वाई नीड टू अंडरस्टैंड कि इफ़ यू हैव टू फाइट ब्रिटिशर्स दैन दिस इज़ नॉट अ वे वॉयलेंस इज नॉट अ वे एंड ये भी एक इनका हमेशा से लिमिटेशन रहा है एंडर आफ्टर कंसेप्शन ऑफ द अट्टरनेटिव सोसाइटी वॉज मिसिंग ये भी सेम पॉइंट है हमने देखा था कि सिविल अपराइजिंग या फिर इवन ट्राइबल अपराइजिंग में भी हम देखेंगे कि अल्टीमेटली आप रिवॉल्व कर रहे हो उसमें इकोनॉमिकल ग्रीवेंस ऐसे आपके आपके पास कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है कि पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल कल्चरल रील कैसी होगी एंड अल्टीमेटली आपको ये भी नहीं पता कि जब वो ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो आपके ऊपर रूल कौन करेगा एंड आपके एरिया का मैनेजमेंट कौन करेगा तो ये सारी ही प्रॉब्लम या फिर लिमिटेशन वी कैन टॉक अबाउट इन द पीजेंटाइन अपराइजिंग एंड दैट फाइनली ब्रिंग्स अस टू द ट्राइबल मोमेंट ऑब्वियसली ट्राइबल मोमेंट जो है वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है जैसे अभी हमने देखा था कि इंडिया में कंजर्वेटिव पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन अग्रैन पॉपुलेशन एंड देर आफ्टर सिविलियन लीडर ब्राह्मण क्षत्रिय ज़मींदार ये सारे लोग अपसेट थे बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स पॉलिसी तो अभी हम लोगों ने सिविल अपराइजिंग एंड ट्राइबल सॉरी पीस अपराइजिंग कवर अप कर ली वी नीड टू मू टूअर्ड्स ट्राइबल अपराइजिंग एंड ऑब्वियसली आउट ऑफ थ्री सबसे डेंजरस याइबल अपराइजिंग ही होते थे जैसे आज के टाइम पर भी आपको दिखाई देगा कि आप नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल एरिया या फिर इवन अंडमान निकोबार वाले ट्राइबल एरिया के अंदर जाओगे तो दोज पीपल डू नॉट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ द आउटसाइड इंटरफेरेंस इन देयर एरिया एंड इन दैट कैपेसिटी वो लोग जो है फियर्सली प्रोटेक्टिव ऑफ़ देयर राइट द मोमेंट यू एंटर इन टू देर एरिया एंड द मोमेंट यू ट्राई टू कंट्रोल देम कप देम दे विल डायरेक्टली कम आउट ऑन अ वलेंस एंड ये वायलेंस जो अल्टीमेटली फिर एक तो आप जिंदा रहो या फिर हम जिंदा रहे उसी एंगल में होता है एंड वही चीज़ हम लोग को अल्टीमेटली अंडर ब्रिटिशर्स भी दिखाई दी है कि मल्टीपल ट्राइबल रिबेलियन या फिर ट्राइबल अपराइजिंग लोकल लेवल पर रही अब वो क्यों हुई वो देखेंगे बट उसमें जाने से पहले जस्ट अ ब्रीफ डाटा कि इंडिया में दो ट्राइबल रिबेलियन आपको दिखाई देंगे एक मेन लैंड ट्राइबल रिवॉल्ट एंडर आफ्टर नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल रिवॉल्ट अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल रिवॉल्ट के पास हमारे पास ज्यादा डाटा नहीं है अगेन इट इज़ ऑल्सो कॉन्शियस अटैम्प बाय द नेशनलिस्ट मार्क्सिस्ट एज वेल एज सबल्ट्रां हिस्टोरियन इन आवर कंट्री कि इन लोगों को कहीं ना कहीं तो इंडिया में जोड़े अब हम लोग इसके ऊपर भी बात कर चुके हैं कि दिस पर्टिकुलर एरिया दैट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इट वॉज अ पार्ट ऑफ़ आवर कंट्री ये एक्चुअल में तो बर्मा का एरिया है बर्मा से अल्टीमेटली हमारे हमने हमारे पास लाया है एंडर आफ्टर इन ऑर्डर टू इनकलकेट सेंस ऑफ नेशनलिज्म हमको उनको कोई ना कोई तो डाटा देना पड़ेगा ना कि भाई आप भी हमारे ही हो एंड ऐसा फिर होम रिबेलियन जो हमने देख के रखा था एंडर आफ्टर अल्टीमेटली ट्राइबल रिबेलियन में भी हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल रिबेलियन देखते हैं बट ऐसा तो कोई ज़्यादा रिबेलियन है नहीं एक हाथ दूसरा ही रिबेलियन है उसके ऊपर थोड़ी बहुत बातें जो हम लोग करेंगे तो कुछ मेन लैंड ट्राइब है एंड नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब है वॉट इज़ द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन दम मेन लैंड ट्राइबल दे आर बेसिकली अक्वेंटेड विद द मेन लैंड रिलीजन एंड मेन लैंड सोसाइटी मतलब ये लोग जो है इनका कोई ना कोई तो एक धर्म से पाला पड़ा है कि मेन लैंड ट्राइबल के जो लोग हैं आपको एक तो हिंदू मुस्लिम या फिर क्रिश्चन दिखाई देंगे एंड यही मेन लैंड ट्राइबल के लोग दे आर क्वाइट सिविलाइज ऑल्सो नाउ दे हैव गिवन देयर ओल्डर वे

एंड पर्टिकुलर सिस्टम ट्राइबल लोगों का ना कोई धर्म होता है ट्राइबल लोगों की ना कोई सिस्टम होती है एंड उनके तौर तरीके जो है फिर वो एबोरिजनल ही माने जाता है जैसे कोई दूसरे ट्राइब का बंदा उनके आजू बाजू में आया वो मार देंगे विदाउट आर्ग्यूमेंट विदाउट डिस्कशन वैसे ही खाना जो है बेसिकली आदमी हंटर फूड गैदर पर ही इनका चलता है कि एनिमल को मारेंगे एंडर आफ्टर एनिमल को खाएँगे तो ये सारे क्या है एबोरिजिनल वे है पुराने तरीके है जीने के ना देर आर न्यू वेज़ ऑफ लाइफ दैट इज़ रिलीजन एंड जब आप रिलीजन को नहीं फॉलो करोगे देन यू आर एन एबोरिजिनल यू आर अ ट्रू ट्राइबल वी कैन से एंड देट इज़ द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन दैम कि मेनलैंड इंडिया के ट्राइबल पॉपुलेशन दे आर क्वाइट सिविलाइज दे हैव एडोप्टेड सर्टन रिलीजन दे हैव एल्सो अडोप्टेड मॉडर्न वेज ऑफ लाइफ स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रिटिश पीरियड इट्स एल्फ जबकि नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल जो है दे आर नॉट सिविलाइज वी कैन से दे हैव नॉट एडॉप्टड रिलीजनस एज पर एंड दे हैव ऑल्सो से वी कैन से लिविंग दर ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ जो बेसिकली हजारों सालों से इंसान जैसे रहा है हंटर फूड गैदर के तौर पर वैसे ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा मल्टीपल ट्राइब्स है मल्टीपल ट्राइब्स मल्टीपल एरियाज में आपको जो है बेसिकली दिखाई देगी एंड अल्टीमेटली इन लोगों का मेन रीज़न क्या रहा है मेन रीजन वही है जो बेसिकली हमने देखा था कि पीजेंटाइन पॉपुलेशन का है कि एक ट्राइबल एरिया है बड़ा ऑब्वियसली फॉरेस्ट एरिया है एन फॉरेस्ट एरिया में अल्टीमेटली एक ट्राइब रह रही है ये पर्टिकुलर ट्राइब जो है ये पर्टिकुलर फॉरेस्टेड एरिया जो है इसके ऊपर राज करिए ट्रेडिशनल लेवल पे दे आर द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंड दैट इज़ वॉट डे कंसिडर ना एक ट्राइब को अपना जंगल जो है वो काफ़ी ज्यादा पसंद होता है एंड दे ऑलवेज कंसिडर टू बी द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉरेस्ट बट ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स का हंगर हमने पहले ही देखा है फॉरेस्ट मीन्स फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड इसमें भी सबसे सिग्निफिकेंट टिम्बर एंड टिम्बर रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड दैट्स अ ब्रिटिशर्स स्टार्टिंग फ्राम एटीन हंड्रेड जैसे ही उन्होंने इंडिया को कैप्चर करना चालू किया दिस स्टार्टेड टू एंटर इन टू दिस फॉरेस्टेड एरिया फॉरेस्टेड एरिया में जाएंगे एंड फॉरेस्ट एरिया को मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाने का काम करेंगे बट ऑब्वियसली जैसे ही आप मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाने की कोशिश करोगे तो मतलब क्या है ये ब्रिटिश इंटरफियरेंस है कि ट्राइबल लोग जो है दे ऑलवेज वॉन्टेड टू लिव इन सेक्लूजन बट अब ब्रिटिशर्स आपके बीच में आ रहे हैं एंड जब ब्रिटिशर्स आएंगे तो फोर्सिबली अरेस्ट होगा फोर्सिबली वीकेंड से इवन रेप्स होते थे फोर्सिबली वीकेंड से मेजोरिटी ऑफ द टाइम पीरियड पर ट्राइबल को उनके लैंड से एविक भी किया जाता था फर्दर अगर उनको उनके लैंड पे रहना भी है तो अब उनके ऊपर ट्राइबल लॉज ब्रिटिशर्स ने डालने चालू किए एटीन ट्वेंटी सेवन का फॉरेस्ट एक्ट एटीन सिक्सटी सेवन के फॉरेस्ट एक्ट ऐसे मल्टीपल फॉरेस्ट एक्ट आए जिसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि ये एरिया इज बेसिकली गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इट इज़ नॉट ट्राइबल प्रॉपर्टी एंड इन दैट कपैसिटी यहाँ पर जो भी प्रोड्यूस है या फिर जो भी मटेरियल है दैट इज बेसिकली गवर्नमेंट ओन मटेरियल ट्राइबल पीपल हैव नो राइट्स ऑन देम तो ब्रिटिश इंटरफेरेंस तो था ही ब्रिटिश इंटरफेरेंस के साथ साथ वी कैन से लॉस ऑफ ट्रेडिशनल राइट जो है ये भी अब अल्टीमेटली आपको फार्मर पीजेंट के लिए दिखाई देंगे ट्राइबल लोगों के लिए सॉरी दिखाई देंगे एंडर आफ्टर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वॉज बेसिकली लैंड रेवेन्यू ऑब्वियसली अब आप इस लैंड पे रहना चाहते हो तो आपके ऊपर भी अल्टीमेटली लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो वो डाली जाएगी डिपेंडिंग अपॉन विच एरिया यू आर इन एंड लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट अगर आपके ऊपर डाली जाएगी तो वही वाली प्रॉब्लम है कि अब आपको बेसिकली रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना ही है अब किसी ज़माने में आप रेवेन्यू नहीं दे पाए तो आपके पास मनी लेंडर जो है वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अवेलेबल करवा के दिया है एंड ये मनी लैंडर जो है उसके साथ जाके आप क्या करोगे लोन लोगे एंड जैसे आप लोन लोगे दैन ऑब्वियसली यर जिंदगी इज़ दी एंड ये हमने पहले ही देख के रखा था कि मनी लैंडर्स देट इज़ बेसिकली जई इन मारवाड़ी ये गुजराती मनी लेंडर आपको दिखाई देंगे अक्रॉस इंडिया ये आपको आज भी दिखाई देता है इनफैक्ट इफ़ यू गोइंग टू यर विलेज इन फाइंड एटलीस्ट वन गुजराती मारवाड़ी अगर वो नहीं रहेंगे तो बनिया या फिर कोई ना कोई तो दूसरा मनी लेंडर आपको दिखाई देगा एंड ये मनी लेंडर देवर ब्लड सकिंग मनी लेंडर कि हाई एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन देंगे इन रिटर्न आपकी पूरी जिंदगी जो है अंदर चली गई बिकॉज यू आर इलिटरेट आपने बॉन्ड साइन किया हुआ है यू डोंट नो हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी यू हैव टू रिटर्न यू डोंट नो वट यू हैव प्लेज इन रिटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर मनी एंड डैट इज़ our अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी जो है ख़राब होगी वैसे फिर मिशनरी एक्टिविटीज़ ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है मिशनरीज अपना बाइबल राइस बैग लेके आते थे एंडर आफ्टर मिशनरीज़ ने इन लोगों को सिविलाइज करने का भी ट्राई किया बट आप सिविलाइज करने का ट्राई करते हो तो ट्राइबल प्रैक्टिसज़ को आप अपोज कर रहे हो ना जैसे ट्राइबल बिलीव इन ह्यूमन सेक्रीफाइजेस एनिमल सेक्रीफाइजेज तो ये सारी चीज़ें आप अगर अपोज करोगे दैन ऑब्वियसली फिर आपकी यू कैन कंसिडर उनके लिए उनका जो ट्राइबल वे ऑफ लाइफ है उसमें इंटरफेरेंस हो गया एंडर आफ्टर फिर सोशो रिलीजियस रिफॉर्म ऑफ ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिशर्स ने अक्रॉस इंडिया डाल दिया अपने स्लेवरी अबॉलिश किया अपनी ह्यूमन सेक्रीफाइज अबॉलिश किए चाइल्ड इन्फेंटिसाइड अबोलिश किए ये सारी चीज़ें जो है ट्राइबल वे ऑफ लाइफ में कहीं ना कहीं तो क्या होती है एज अ यू कैन से रोड ब्लॉक होती है बिकॉज ट्राइबल कल्चर इज नेरी अ वॉयेंट कल्चर यानी वॉयलेंस में ब्रिटिशर्स ने इसको रोकने की जैसे ही कोशिश की हो गई गड़बड़ अल्टीमेटली ट्विन रीजन हम लोगों को दिखाई देते हैं कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ट्राइबल कि दर इज साहिब एंड देन इज डिकू मतलब ये इंडियन पर्सन है बट वो आउटसाइडर है ये कोई भी हो सकता है ये बेसिकली मनी लेंडर भी हो सकता है या फिर बेसिकली फार्मर पीजन भी हो सकता है या फिर अग्ररियन लेबर भी हो सकता है वैसे ही साहिब मतलब कौन देन साहिब लोग साहिब लोग मतलब गोरा बंदा दैट इज बेसिकली ब्रिटिश ऑफिशियल तो ब्रिटिश ऑफिशियल यहाँ पे आके बैठा हुआ है एंड एंडर आफ्टर आउटसाइडर भी यहाँ पे आके बैठे हैं एंड क्यूमिलटिवली वॉट दे आर डूइंग उन्होंने बेसिकली इनको सिविलाइज करने की कोशिश की इन लोगों ने इनके ऊपर रेवेन्यू लगाने की कोशिश की मनी लेंडर के थ्रू इनके लैंड जो है अल्टीमेटली नॉन ट्राइबल बंदा दैट इज आउटसाइडर के पास देने की भी कोशिशें की तो देर वॉज कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ वी कैन से कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ ट्राइबल वे ऑफ लाइफ आप दिन भर जो काम करते थे सभी काम आपको ब्रिटिशर्स ने करने से रोक दिया आपके राइट चले गए आपके बेसिकली प्रैक्टिसेस चली गई आउटसाइड इंफ्लुएंस आपके एरिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया एंड दैट इज वाई ट्राइबल्स लोगों ने फिर धीरे धीरे करके मल्टीपल रिवॉल्ट जो है अब वो इंडिया में करने चालू कर दिए आई नेवर थिंक कि इस पर्टिकुलर एरिया से कोई सवाल आएगा बस जितने मोवमेंट मैंने देखे रखे बस उतने ही कर लेना देट विल बी मोर देन सफिशेंट कि सबसे पहले अगर हम लोग कोल रिबेलियन की बात करें तो कोल रिबेलियन 1831 में कोल ट्राइब नहीं करके रखा था छोटा नागपुर रीजन में इसके रीजन सेम थे कि मनी लास्ट स्केल ट्रांसफर ऑफ द लैंड हैवी टैक्सेशन जो ब्रिटिशर्स ने लगा के रखे थे अंडर आफ्टर ब्रिटिश जुडिशियल एंड रेवेन्यू पॉलिसी अल्टीमेटली एटीन में बुद्ध भगत रिवॉल्टेड जैसे ही रिवॉल्ट हुआ ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी घुसा दिए वाले एरिया में आर्मी घुसा के अल्टीमेटली बेसिकली बुद्ध भगत वॉज स्किल्ड एंड ये सारा एरिया जब अल्टीमेटली वॉज स्पेसिफाइड बाई द ब्रिटिशर्स नेक्स्ट वन इज़ खासी अपराइजिंग खासी अपराइजिंग जो 1830 33 में आपको दिखाई देगा फिर रिमेंबर 1824 टू 26 ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में बर्मीज़ वॉर हुआ इसके बाद में ट्वेंटी से लेके 28 के बीच में अहोम अपराइजिंग हुआ एंड व्हेन मैटर वाज सेटल डाउन तो असम को बर्मा से कनेक्ट करना था एंड फॉर दैट परपज़ गारो खासी जयंती वाला एरिया जो है यहाँ पर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बढ़ना चालू हुआ गारो ट्राइब एज वेल एज जयंतिया ट्राइब ये दोनों ने भी रिवॉल्व किए बट डेज आर माइनर ट्राइब इन मेघालय मेघालय में आज भी बेसिकली खासी ट्राइब जो है मेजोरिटी में है तो खासी पीपल जो है डिड नॉट लाइक कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंक्रीजिंग इंटरफेरेंस यहाँ पर है ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से रास्ते बनाने थे ताकि दे कैन कनेक्ट बर्मा विथ आसाम एंड आसाम विथ अल्टीमेटली बंगाल ताकि एक इलाबोरेट ट्रेड नेटवर्क हम लोग बना पाए एंड टिम्बर रिसोर्सेज ऑफ द बर्मा उठा के हम लोग बंगाल वाले एरिया में ला पाए च वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकेंड एंग्लो बर्मीज और इलेबोरेटली देखा हुआ था एंड फॉर दैट पर्पज अल्टीमेटली फिर इनके एरिया में जो है ब्रिटिशर्स ने इन्फ्लुएंस बढ़ाया एंड जैसे इन्फ्लुएंस बढ़ाया तो तीरथ सिंह वॉज बेसिकली द लोकल लीडर ऑफ दासी रिवेलियन उन्होंने बेसिकली रिवॉल्व कर दिया जैसे रिवॉल्व कर दिया अगेन ब्रिटिशर्स ने वही किया क्या आर्मी घुसाओ एंड आर्मी घुसाने के बाद अल्टीमेटली सारा एरिया जो है ब्रिटिशर्स ने वापिस से अपने अंडर ला दिया तो दिस इज ऑल्सो बेसिकली ब्रूटली सप्रेस मोवमेंट वी कैन से देर आफ्टर फिर खोन्ड अपराइजिंग खोंड जो है बेसिकली ज्यादा परेशान क्यों थे बिकॉज ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ इकोनॉमी जिसमें आउटसाइडर साहिब डिक्कू तो इनके एरिया में आ ही गया था बट अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी एक बेसिकली ह्यूमन सेक्रीफाइस वाली भी प्रैक्टिस थी डैट इज मरिया मरिया सेक्रीफाइज में अल्टीमेटली हर साल जो इनके ट्राइबल फेस्टिवल होते थे वो पर्टिकुलर फेस्टिवल में एक वुमन को सेक्रीफाइस ये लोग करवाया करते थे एंड मिशनरीज ट्राइट टू स्टॉप इट अब इससे इनको गुस्सा आ गया चक्रा बिश्नोई के अंडर अल्टीमेटली दे रिवॉल्टेड एंड रिवॉल्ट करके अल्टीमेटली वी कैन से कि यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स ने पहले मिलिट्री घुसाई मिलिट्री घुसाने चक्रा बिश्नोई जो है बेसिकली गायब हो गया अब इसमें मल्टीपल थियरीज कि उनको ब्रिटिशर्स ने मारा या फिर उनको बेसिकली किसी शेर ने खा लिया जंगल में वॉट द केस में भी वंस ही डिसअपियर द लीडर वॉज नॉट डेर एंड अल्टीमेटली मोवमेंट जो है वो कोलैप्स हो गई नेक्स्ट वन जो है संथाल अपराइजिंग 1855-1866 के अराउंड अगेन सेम रीजन आपको दिखाई देंगे कि जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी इनका हैवी प्रेजेंस एंड अल्टीमेटली यहाँ पे आपको वही दिखाई देगा कि हैवी टैक्सेशन है ह्यूज इंटरेस्ट रेट है कॉन्फिस्केशन ऑफ लैंड है एंड इनके कुछ ट्रेडिशनल ग्रीवेंसेस हमेशा से ही रहे हैं तो ये सारी चीज़ों की वजह से अल्टीमेटली दिस पीपल रिवोल्टेड सिद्धू एंड कानू के अंडर बट अगेन ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे जो है वापस से आर्मी लगा दी एंड पूरा एरिया 1856 में जो है बेसिकली सा शांत करवा लिया देर आफ्टर इन ऑर्डर टू पैसीफाई दिस पॉपुलेशन इन्होंने एक सेपरेट संथाल परगना नाम का एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी बना के रखा था कि एक सेपरेट संथाल परगना बनाएंगे एंड ये सेपरेट परगना ये बेसिकली तालुक लेवल का यूनिट होता था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द मुगल ब्रिटिशर्स के अराउंड बायरलाजे कंटिन्यू रहा है तो संथाल परगना एक सेपरेट इनके लिए बना दिया था ताकि इनके जो ग्रीवान जो है वो शांत हो जाए दर आफ्टर मुंडा रिबेलियन मुंडा रिबेलियन की अगर बात करें तो उनका एक खूंट कट्टी सिस्टम था दैट इज बेसिकली जॉइंट ओनरशिप ऑफ द लैंड अब ये जॉइंट ओनरशिप ब्रिटिशर्स ने आके ख़त्म कर दिया एंड ऑब्वियसली फिर हर एक पर्टिकुलर फैमिली के अंडर लैंड फिक्स किया जब आप लैंड फिक्स करोगे तभी तो लैंड रेवेन्यू लगाओगे तो ट्रेडिशनल राइट इ हो गया वीकेंड से धीरे धीरे करके मनी लैंडर का इन्फ्लुस बढ़ा एंड मनी लैंडर ने बेड बिगाड़ी सेटलमेंट भी चालू की मतलब एक बेसिकली मुंडा बंदा इनके पास आएगा दस रुपये का लोन लेने के लिए दस रुपए का लोन लेंगे बट इन रिटर्न ही विल भी बेसिकली वर्क और ही विल बेसिकली वर्क इन रिटर्न ऑफ दैट टेन रुपी फॉर द रेस्ट ऑफ इज लाइफ उसने तो बस बेचारे अपने एक बॉन्ड साइन करके दिया था कि दस रुपए इक्वीवैलेंट वर्थ ऑफ काम जो वो करेगा बट कब तक कहाँ तक एंडर आफ्टर इवन बेसिकली इसका टाइम स्पैन ग्रेविटी कुछ भी मैंशन नहीं है तो एवरी थिंग अल्टीमेटली फेल इन टू देंड ऑफ द मनी लेंडर एंड अल्टीमेटली मनी लेंडर ने एक थोड़ा पॉसिबल एक्सप्लाटेशन बेसिकली स्लेव में ही कन्वर्ट कर लिया दैट इज बेसिकली फोर्स लेबर वी कैन से एंडर आफ्टर अल्टीमेटली फिर कैथलिक मिशनरी एक्टिविटी जो ट्राइबल एरिया में बढ़ रही थी उससे भी ये लोग परेशान थे कि इनका ट्राइबल वे ऑफ लाइफ इसके वजह से ईरोड हो रहा था फाइनली बिरसा मुंडा ने खुद को राम भगवान का उतार ब्रिटिशर्स को रावण कंसिडर कर दिया एंड हीड इसमें अल्टीमेटली बिरसा मुंडा वॉज कैप्चन एंड इम्प्रिजन में अल्टीमेटली जेल में ही डाइडलीज मुंडा पॉपुलेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट नाइनटीन एट बना दिया एंड इसमें अल्टीमेटली ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल लैंड वॉज बैंड बाय द ब्रिटिशर्स एंड देर आफ्टर फाइनली वीकेंड से सारा का सारा जो अभी हम लोगों ने देखा कि सिविल अपराइजिंग पीजेंटाइन अपराइजिंग एंड ट्राइबल अपराइजिंग ये सिविल पीजेंट एंड ट्राइबल अपराइजिंग इनके कुछ जनरल पॉइंट जब हम लोग को देखने हैं कि इनके एग्जैक्ट वीकनेसेस क्या रहे हैं ये एक्जैक्ट वीकनेसेस जो है बेसिकली सबसे पहला एंड फॉर्मुल है इज़ लैक ऑफ द कॉलोनियल अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली अब इसके ऊपर हम लोगों ने इलेबोरेटली बात करके रखी है कि एग्जैक्टली कॉलोनियल फंक्शन जो है वो वर्क कैसे करते थे पहले के ज़माने में आप ही के कंट्री का राजा महाराजा बैठा हुआ था आप उसके खिलाफ जाओगे तो आपके लिए कोई ना कोई तो चीज़ करके रखता था अब ये बाहरी लोग थे इनका ऑब्जेक्टिव इंडिया में इकोनॉमिकल एक्सप्लोइटेशन करना था एंड डेट्स इनके खिलाफ वायलेंस करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला था तो ऑल दिस पर्टिकुलर मोमेंट दे वेर क्वाइट इंस्परेशनल फॉर द फ्यूचर जनरेशन बट दे ऑलवेज फेल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली exactly ब्रिटिशर्स के खिलाफ सक्सेस लाना है तो किस तरीके से लाया जा सकता है वो चीज़ अब धीरे धीरे इंडिया में मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट एंड गांधी लीडरशिप बताएगी बैनलाज यू ऑल्सो फॉलो देयर तौर तरीके या फिर देयर बेसिकली वेज ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इट सेल जिसके ऊपर हम लोग लेटर ऑन बात भी करेंगे वैसे ही लेटर ऑन लोकल ग्रीवेंसिस इनके हमेशा से रहे थे अपराइजिंग पॉपुलर अपराइजिंग है क्या देन इसके ऊपर हमेशा से डाउट इसके ऊपर आप डाल सकते हो कि अल्टीमेटली ये लोकल ग्रीवेंसेस के वजह से हुई चीज़ है किसी को बेसिकली सैक्रीफाइजेस में इंटरफेरेंस पसंद नहीं आया किसी को आउटसाइडर्स का इंफ्लुएंस जो है बेसिकली ज़्यादा लगा किसी को अपना पॉलिटिकल पावर जा रहा है ये देखा नहीं गया एंड इन दैट कैपेसिटी यू कैन नॉट कैनॉट इट टू द जनरल फीलिंग अमोंग द मासेस अगर इंडिया में सारे ही लोग परेशान होते तो ऑब्वियसली वी कैन टॉक अबाउट कि पूरा इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ है जैसे आज के टाइम पीरियड में फार्मर्स माइंड भी अपसेट विद दी करंट गवर्नमेंट बट जब फार्मर रास्ते पे आ रहे तो बाकी का इंडिया रास्ते पर नहीं आ रहा है मतलब बाकी का इंडिया बायलाट इज़ हैप्पी विद द गवर्नमेंट ओनली एक पर्टिकुलर सेक्शन इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट तो इन दैट कैपेसिटी फार्मर के अंदर का डिसकंटेंट जो आज फॉर एग्जाम्पल पंजाब या फिर हरियाणा में चल रहा है यू कैन नॉट एट्रीब्यूटेड एज अ डिसकंटेंट ऑफ एंटायर इंडिया तो जैसे फार्मर के ग्रीवेंसेस है तो फार्मर रास्ते पे आए तो उनकी ग्रीवेंसेस इंडिया के ग्रीवेंसेस नहीं वही वाला पंगा है कि ये इंडिविजुअल ग्रीवेंस वाले मूवमेंट है हाउ फार इज़ इट राइट टू कॉल इट एज अ पॉपुलर अपराइजिंग इसके ऊपर एक छोटी सी हिस्टोरियोग्राफी भी है जो थोड़े टाइम में देखेंगे देर आफ्टर ये हमेशा से सेमी फ्यूडल इन नेचर रहे हैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम इनके जो लीडर है ये लीडर जो है अपने को बेसिकली डिवाइनिटी ऑफ किंगशिप या फिर डिवाइनिटी का अवतार लेके देखे थे जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कि वी कैन टॉक अबाउट बेसिकली मुंडा रिविलियन में बिरसा मुंडा हार्डली ट्वेंटी थ्री ईयर्स ओल्ड थे वैन ही रिवॉल्टेड एंड उन्होंने खुद को राम भगवान का अवतार डिक्लेयर करके रखा था वैसे सिद्धो या फिर कान हो या फिर बुद्धो भगत सभी ने अपने आप को कोई ना कोई तो भगवान का अवतार डिक्लेयर करके रखा था सेम एंगल वॉज देयर इवन इन सिविलियन अपराइजिंग हमने तो अब मुनार की सिस्टम के ऊपर इंडिया का एलेबोरेटरी देख कर रखा और इंडिया का हर एक राजा अपने आप को भगवान का अवतार कंसिडर करता है एंड ये सारी चीज़ों का जैसे कैन से दे वेर सेमी फ्यूडल इन बेसिकली नेचर एंड सेमी फ्यूडल इन नेचर होने के साथ साथ हैड दे बिकम सक्सेसफुल तो सक्सेसफुल होने के बाद इसका इम्पैक्ट जो है हमेशा लोकल लेवल पे ही ज़्यादा से ज़्यादा रहता जैसे वी कैन टॉक अबाउट कि पावना पीजेंट मोमेंट ये बेसिकली हुई ना सक्सेसफुल 1885 में जब बेसिकली बंगाल टेनेंसी एक्ट आया तो पावना के जो पीजेंट हैं उनका मोमेंट आप सक्सेसफुल मानोगे वैसे अल्टीमेटली फिर दखन अग्ररियन राइड्स हुए एंड दक्खन अग्ररियन राइड में जो अग्ररियन कमीशन बना उसमें एटीन में जो जो दक्खन के पीजेंट की डिमांड थी वो वो अग्रेरियन रिलीफ एक्ट में कंप्लीट की ब्रिटिशर्स ने तो वो मोमेंट भी सक्सेसफुल है तो इसका इम्पैक्ट भी कोई पैन इंडियन तो डेफिनेटली नहीं था ना इसका इम्पैक्ट भी लोकल पॉपुलेशन के ऊपर ही रहा लोकल ही रहा तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली सेमी फ्यूडल इन नेचर भी है एंड हैड दे बिकम सक्सेसफुल तो इसका एट द मोस्ट इम्पैक्ट जो लोकल लेवल पे ही रहता कभी जो आप बोल रहे हो कि पॉपुलर अपराइजिंग और पूरा इंडिया अंग्रेजों से आज़ाद हो जाता है ऐसा कुछ नहीं है

या फिर यू कैन से रिकन्सिलिएशन एंडर आफ्टर बख्शी जगत बंधु को उठा के जेल में वैसे ही वेलू थाम्पी एंड महाराज ऑफ त्रावणकोर महाराज ऑफ त्रावणकोर के साथ रिकन्सीन वैली थाम्पी को अल्टीमेटली उठा के जेल में डाल दिया वैसे अल्टीमेटली वी कैन टॉक अबाउट कि सिद्धू कानून है जैसे संथाल रिबेलियन की है देवर किल्ड बट अल्टीमेटली इनको पैसिफाई करने के लिए संथाल लोगों को सेपरेट संथाल परगना बना दिया बिरसा मुंडा का क्या हुआ नोबड़ी नो जीडाइड इन जेल बट अल्टीमेटली उनको पैसीफाई करने के लिए फिर उनके लोगों को पैसीफाई करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बना दिया तो एक जगह पे आप हैवी रिप्रेशन भी करोगे एंड दूसरे जगह पे आप रिकनसिलियशन भी करोगे जिसके वजह से ग्रीवेंसेस वे सॉर्टेड आउट एट द मोस्ट उनके जो लीडर फिर मरे वो मैरिटियर बन गए वो शहीद बन गए एंड उससे ज़्यादा अल्टीमेटली इम्पैक्ट लोकल लेवल पर नहीं था इसमें नो इंडिया नो इंडिपेंडेंस एंड नो पॉपुलर अपराइजिंग ये सारी चीज़ें जो हैं हमको दिखाई देती है जिसको हम लोग वीकनेस में डाल सकते हैं एंड देर आफ्टर फिर ये वाला एक कॉमन पॉइंट जो इंडिया में हमेशा से रहा है कि ट्रेडिशनल मैथडोलॉजी ट्रेडिशनल मैथडोलॉजी की अगर हम लोग बात करते हैं दैन ऑब्वियसली वही वाला पंगा है कि ये पर्टिकुलर मोमेंट जो है ये कुरहाड़ भाला पत्थरी ले के बेसिकली रिवॉल्व करते थे ब्रिटिशर्स अपने बेसिकली एनफील्ड राइफल बस्क मस्कट राइफल डेर आफ्टर फ्लिंट लॉक बायोनेट ऐसी वाली राइफल लेके आते थे विच वॉज वेज इ वेरी इसेंशियल ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द एक्चुअल वॉरफेयर जिसके वजह से ब्रिटिशर्स को जीतने की गारंटी हमेशा से ही रही है ब्रिटिशर्स हर जगह पे जीते हैं इवन ब्रिटिशर्स ने जहाँ जहाँ पे रिलीफ दे के रखा है इट वॉज ऑनली आफ्टर कैरिंग आउट मैसिव लेवल ऑपरेशन एट अ लोकल लेवल ये भी आपको समझना पड़ेगा तो ये सारे क्या रहे हैं वीकनेसेस रहे हैं ऑफ़ द ट्राइबल पीजन एज वेल एज सिविलियन अपराइजिंग के एंड इसके साथ साथ अल्टीमेटली इसका नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक जो है टोल्ड उसमें एक हिस्टोरियोग्राफी भी है तीन डिफरेंट डिफरेंट व्यू है कि पर्टिकुलर मोमेंट ठीक कौन से इसमें सबसे पहले जो है कॉलोनियल व्यू पॉइंट है कॉलोनियल व्यू पॉइंट मतलब ये ब्रिटिश लोगों का कहना था कि ब्रिटिश लोग अब इंडिया में आके अच्छे काम कर रहे हैं तो इंडिया के बार बार लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ जा रहे हैं पीसेंटाइन ट्राइबल एंड आफ्टर इवन वी कैन टॉक अबाउट सिविलियन अपराइजिंग दिस पर्टिकुलर अपराइजिंग जो है ये अपराइजिंग इंडिया को बैकवर्ड लेके जाते ये अपराइजिंग से इंडिया का फायदा नहीं होता इंडिया का नुकसान होता एंड इन दैट कैपेसिटी ब्रिटिशर्स ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपके लिए करके रखी ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसका फ़ायदा इंडिया को हुआ है एंड डेट्स ए वी कैन कंसिडर कि ये सारी ही मूवमेंट जो है इंडिया में जो चल रही थी देवर बेसिकली रेजिस्टेंस बाय द बारबेरिक पीपल अगेंस्ट सिविलाइज ब्रिटिश कॉलोनियल पीपल तो ये बेसिकली क्या है ये सिंपथेटिक व्यू पॉइंट है टूवर्स ब्रिटिशर्स कि ब्रिटिशर्स ने जो किया सही किया अल्टीमेटली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ब्रिटिशर्स थे तो डेमोक्रेटिक ना एंड अगर डेमोक्रेटिक थे तो दे शूडेंट हैव बिहेव लाइक दिस एट अ ग्राउंड लेवल बट कॉलोनियल लोगों का कहना वो है ही नहीं कॉलों का कहना भाई जो कि हमने सही किया इंडिया के भलाई के लिए किया एंड इन दैट कैपेसिटी जो रिवॉल्ट हुआ अपराइजिंग हुआ मोमेंट हुआ है दो हर बार बार इक इन नेचर एंड इट वॉज रेजिस्टेंस अगेंस्ट सिविलाइजेशन वी कैन टॉक अबाउट तो इन्होंने जो है बेसिकली ये वाला जो व्यू पॉइंट दे रखा था देर आफ्टर नेशनलिस्ट हिस्टोरियन की बात करें हिंदू हिस्टोरियोग्राफर की बात करें देन ऑब्वियसली इनको हमेशा से ही फिर स्ट्रगल बोलने का काम इन्होंने करके रखा है अब मल्टीपल जगह पे मैंने आपको बताया कि अगर आप बेसिकली बंकिम चंद्र चैटर्जी को पूछोगे तो उनके हिसाब से सन्यासी रिबेलियन वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वैसे अगर आप बात करोगे बेसिकली इनकी दैट इज़ बेसिकली ओरिसा गवर्नमेंट की या फिर इवन यू कैन टॉक अबाउट मोदी जी की मोदी जी ने तो ओपन कमेंट किया है कि जो ये है दैट इज़ पाइका रिबेलियन एटीन में हुआ था इट वॉज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस वैसे अल्टीमेटली हम लोगों ने ये भी देखा है कि बहुत जगह पे विनायक दामोदर सावरकर ने ये छोटे मोटे रिवॉल्व जो है उनको फर्स्ट वॉर ऑफ़ इंडियन इंडिपेंडेंस बोलने का काम करके रखा है तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ़ द नेशनलिस्ट हिस्टोरियन देखो ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे तो जीत जाते तो इंडिया इंडिपेंडेंट बन जाता तो ये वाला भी एक फॉल्टी व्यू पॉइंट ही है जैसे कॉलोनियल व्यू पॉइंट हमने देखा था एंड दैट्स ए फिर अल्टीमेटली थर्ड व्यू पॉइंट जो अल्टीमेटली हम लोगों को देखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली जो थर्ड व्यू पॉइंट है उनका वही कहना है कि ट्राइबल एंड पीजें रिबेलियन जो है दे कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द जनरल डिसकंटेंट डिसकनटेंट द मासेस ये बेसिकली दे कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द जनरल डिसकंटेंट डिस्कनटेंट द मासेस यस दे वे आर हेल्पफुल फॉर द लेटर जनरेशन दे वर हेल्पफुल फॉर द इंस्पिरेशन परपज ऑफ द लेटर जनरेशन बट एज सच इसके अलावा ये कोई पॉपुलर डिसकंटेंट नहीं है इनके लोकल ग्रीवेंसेज थे एंड लोकल ग्रीवेंसेज को सेटिसफाई करने के लिए इन्होंने रिवॉल्व किए जैसे ही इनके रिवॉल्ट या फिर जो लोकल ग्रीवेंसेस सॉरी सेटिसफाई हो गए इन्होंने अपनी मूवमेंट बंद भी करके रखी हुई है जो हमने देखा था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं रिबेल आर्मी बना रहे हैं तो सब कुछ मूवमेंट जो स्टॉप हो गई क्यों वो ग्रीवेंसेज हो गए तो कैन नॉट इवन कॉल इट एज अ स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियल पीपल कॉलोनियल लोगों के साथ में रहना है बट उनके खिलाफ़ भाई कोई ग्रीवेंसेस है आज के टाइम पर अगर फार्मर रास्ते पर आता है गवर्नमेंट के खिलाफ तो हम इसको बेसिकली स्ट्रगल फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस या फिर स्ट्रगल अगेंस्ट इंडिया नहीं बोलते हैं दे वॉन्ट टू लिव इन इंडिया दे वॉन्ट टू लिव अंडर गवर्नमेंट बस कुछ ग्रीवेंसेस है उनके एंड दैट इज़ वॉट अल्टीमेटली इनका भी कहना कि दे आर सिम्पथेटिक टुअर्ड्स पीजेंट एंड ट्राइबल इन अ वे कि दे अंडरस्टुंड मतलब ये लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई लोकल ग्रीवेंसेस थे लोकल मूवमेंट थे इसको जनरल लेवल पे या फिर पूरे इंडिया पे एंट्रीब्यूट करना जो है सही नहीं है इसके ऊपर अभी भी बेसिकली रिसर्च जो है ये चल रही है एंड डैट ये वाला व्यू पॉइंट जो है इसको भी याद रखोगे कॉन्क्रीट नहीं एंड डैट्स दिस इज अ डिबेट जब हमने पहले भी देखा था कि ऐसी मल्टीपल डिबेट इतिहास में चलते अब आप कौन सा व्यू पॉइंट सब्सक्राइब करोगे दट आई विल लिव अपॉन यू बट एज़ अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री जनरली न्यूट्रलिटी बेटर रहती है तो तीनों व्यू पॉइंट याद रखो इंटरव्यू में भी अगर ऐसे सवाल आ गया आपका क्या कहना है भाई ट्राइबल रिवॉल्व पे हो सकता है ना आप अगर झारखण्ड छत्तीसगढ़ बिहार छोटा नागपुर प्लेटियो या फिर बेसिकली मुंडा या फिर भिल वाले एरिया में या फिर नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में तो ऐसे सवाल आते हैं आपको तो तीनों व्यू पॉइंट याद रखोगे एंडर आफ्टर कंक्लूड ऑन अ न्यूट्रल फुटिंग कि तीनों व्यू पॉइंट जो है बाय लाज अपने अपने एरिया पे सही है कि अल्टीमेटली कॉलोनियल लोगों ने अपने फायदे के लिए लिखा नेशनलिस्ट लोगों ने अपने फायदे के लिए लिखा मार्क्सिस्ट लोगों ने अपने फायदे के लिए लिखा और तीनों का फायदा जो है अल्टीमेटली अपने अपने टाइम पीरियड में इंडिया को हुआ है एंडर आफ्टर फाइनल एनालिसिस में नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ़ द मोमेंट की अगर बात करते हैं तो ऑब्वियसली देर डिजाइन टू काउंटर एक्ट ऑपरेसिव फोर्सेस ये इनका बेसिकली एक कैरेक्टरिस्टिक रहा है कि अब कोई ना कोई तो एक ऑपरेसिव फोर्स इंडिया में आया है और इसके खिलाफ आप जा रहे हो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है बिकॉज अभी तक हम लोगों ने एंशंट इंडिया एज वेल एज मीडियल इंडिया देखा है हमने अशोका भी देखा हमने गुप्ताज भी देखे हमने अलाउद्दीन खिलजी भी देखा हमने औरंगज़ेब भी देखा यू विल नॉट फाइंड यू इन अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ द पीजन ट्राइबल या फिर सिविलियन अपराइजिंग अगेंस्ट दिस पीपल क्यों बिकॉज उस टाइम पे डिवाइनिटी ऑफ किंगशिप चलती थी मुगल एम्पेयर सल्तान अपने आप को फरीज दी जिले इलाही टाइटल लेके बैठे हुए थे एक राजा महाराजा सम्राट बड़े बड़े सेक्रीफाइस करके अपने आप को भगवान का अवतार बताकर रखा हुआ था तो इट वॉज हाईली इम्पॉसिबल फॉर द पीपल टू गो अगेंस्ट दोस पर्टिकुलर मुनार्कियल एस्टेब्लिशमेंट बट ब्रिटिशर्स के अंडर एटलीस्ट हमको दिखाई देता है कि पीपल नाउ रियलाइज कि भाई अपने ग्रीवेंसेस हैं तो रास्ते पे उतरना पड़ेगा ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाना पड़ेगा एंड दैट इज नॉट वी कैन क्लियरली सी ओवर हियर कि अल्टीमेटली दे वेर काउंटर पार्ट और काउंटर एक्ट टू ऑपरेसिव मोमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर एंटायर इंडियाज हिस्ट्री पीपल स्ट्रगल अगेंस्ट रूलिंग क्लास हमको दिखाई देता है अनफॉर्चुनेटली फॉर 2500 थाउजेंड फाइव हंड्रेड ईयर्स इट वॉज सप्रेस और इट वॉज नॉट एट ऑल हैपनिंग इन आवर कंट्री वो अभी हो रहा है और एक सर्टन डिग्री का सक्सेस उसको मिला हुआ है जो अभी हमने देखा कि पावना है दखन है संथाल परगना छोटा नागपुर एक्ट ऐसे मल्टीपल सक्सेस जो उसमें आ भी रहे थे वैसे ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी कि अल्टीमेटली इसके वजह से अब इंडिया की कम्युनिटी जो है वो वेल well नीड बननी चालू हो गई कि आपको एक कॉमन एनिमी मिला ना एनी कॉमन एनिमी के वजह से वी कैन टॉक अबाउट कि एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी अब इंडिया में आना चालू हो गया कि ट्राइ, ट्राइबल पीपल सिविलियन पीपल एंड आफ्टर इवन वी कैन टॉक अबाउट पीजा पॉपुलेशन एट एनी गिवन पीरियड ऑफ द टाइम इंडिया का मेजोरिटी है और सबके लिए अब अल्टीमेटली एक ही दुश्मन है एंड दैट्स हाउ अल्टीमेटली हिंदू रिलीजन के बीच में एंड विथ इन हिंदू एंड इस्लामिक रिलीजन के बीच में जो वेजेस है वो भी अब कम इन्ह होने चालू हो गए वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक या फिर नेचर वी कैन टॉक अबाउट डेवर बैकवर्ड इन लुकिंग अब इसके ऊपर बहुत सारी बातें हमने करके रखी है दर आफ्टर रिलेशनशिप टू द इम्पीरियल पॉवर जो इनका रहा है इट हैज़ ऑल्सो फ्लक्चुएटेड फ्रॉम द वॉयेंस टू द पीसफुल एंड हर एक मोमेंट में आपको वॉयलेंस पीसफुल दोनों चीज़ें जो दिखाई देगी एंड दर आफ्टर इम्पैक्ट ऑफ कास्ट एंड कम्यूनल पॉलिटिक्स ऑन पॉपुलिस मोमेंट ये भी एक पॉइंट जो है ये हम लोग देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके इसके वजह से हुआ क्या कि जहाँ जहाँ पे रिवॉल्ट हुआ वहाँ वहाँ पर अल्टीमेटली लोकल लेवल की जो पॉपुलेशन है कास्ट लाइन पे एज वेल एज़ कम्युनल लाइन पे नेशनल मोमेंट में जो है आनी चालू हो गई लेटर ऑन इसकी बात करेंगे कि पहले मॉड रेड फिर एक्सट्रीमिस्ट एंडर आफ्टर इवन गांधी एन मोमेंट इन लोगों ने हमेशा से ही ये लोगों को नेशनल मोवमेंट में लाने के लिए इनके लोकल ग्रीवेंसेस हारनेस किए एंड ये लोकल ग्रीवेंसेस हारनेस करके इनको नेशनल मोवमेंट में लाया कैसे वो लेटर ऑन देखेंगे एंडर आफ्टर देवर ब्रिज बिटवीन इंडियन इंटेलिजेंसिया एंड पॉपुलर मासिस कि इंडियन इंटेलिजेंसिया एंड पॉपुलर मासेस मतलब बेसिकली यू कैन टॉक अबाउट जो इंडिया का भी एक लिबरल इंटेलेक्चुअल क्लास है प्रिसाइजली मॉडरेट लीडरशिप जो आपने देखी होगी कि कभी भी गवर्नमेंट का साथ पटिशन पॉलिटिक्स खेलने में ही यकीन रखती थी दे डिड नॉट बिलीव इन मास पॉलिटिक्स बट फिर भी दिस पर्टिकुलर मोमेंट फोर्स इंटेलेक्चुअल टू एंटर ऑन टू द रोड टॉक विद द विदिस गेट द्रीवेंस एंड सबमिटेड टू द गवर्नमेंट तो ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट एंगल रहा है कि सारी ही मोवमेंट के वजह से एटलीस्ट मॉडरेट लीडरशिप जो उस जमाने में इंडिया में चल रही थी दी एंटर्ड इन टू द मासेस एंड मासेस में जाके दे गॉट टू नो अबाउट द ट्रू कंडीशन ऑफ आवर कंट्री जैसे एम जी रानाडे का एग्जाम्पल हमने देखा दखन अग्ररियन राइट एस एन बैनर्जी का एग्जाम्पल हमने देखा पास बाबना पीजन मोमेंट वैसे यू कैन टॉक अबाउट बेसिकली नील दर्पण एंड दर आफ्टर फिर अल्टीमेटली द पैट्रियट जो नील इंडिगो रिबेलियन के टाइम पीरियड में इंडिया में चल रहा था डेट सम्स अप डेज सेशन गई सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि अगर हम लोग बात करते हैं पॉपुलर अपराइजिंग की तो पॉपुलर अपराइजिंग काफ़ी सिग्निफिकेंट रहे हैं अगेन इन नटशल अब वी आर एट अ लास्ट स्टेज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक नट सेल में सिर्फ एक बेसिकली देख लेते हैं कि वी स्टार्टेड दिस जर्नी फ्रॉम द एडवेंट ऑफ़ यूरोपियंस इन आवर कंट्री विथ इन दिस एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हम लोगों ने देख के रखा हुआ था कि इंडिया में पोर्तुगीज उनके बाद में फिर डच उनके बाद में ब्रिटिश फिर डैनिश एंड दर आफ्टर फ्रेंच इंडिया में आए दर आफ्टर वी एंटर्ड इन टू ई एंड एवरी कंपनी हमने देखा कि उनमें क्या चल रहा था हाउ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम विक्टोरियस एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम फिर इंडिया में सो सेकेंड पिलर हमने देखा था कि लेटर मुगल्स क्या कर रहे थे विट्री इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ़ द डिक्लाइन ऑफ मुगल फ्रॉम शाहजहां शाहजहाँ के एक्सपेंडिचर औरंगज़ेब की गलतियाँ एंड लेटर मुगल्स की गलतियाँ हमने वो कवर अप की फिर लेटर मुगल्स के अंडर इंडिया का जो थोड़ा पॉसिबल डिस इंटीग्रेशन हुआ वो हमने देखा कि इट स्टार्टेड फ्रॉम बंगाल फिर बंगाल अवध मुगल देर आफ्टर वी कैन टॉक अबाउट बेसिकली हैदराबाद हैदराबाद के साथ साथ इवन वी कैन टॉक अबाउट आरकोट फिर मैसूर फिर मराठा देर आफ्टर फिर सिख एंड इसके बीच में अल्टीमेटली फिर जाट लैंड बुंदेला लैंड राजपूताना लैंड ऐसे मल्टीपल डिसइंटिग्रेशन इंडिया के हुए ऑब्वियसली इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल फॉर अस टू एंटर इन टू इच एंड एवरी एंटिटी बट इसमें से कुछ कुछ एंटिटी हमने लेबोरेटली देखी हमने देखा था कि बंगाल अवध मुगल दैर आफ्टर फिर मैसूर फिर मराठा एंड दर आफ्टर सिख ये इंडिपेंडेंट रिबेल किंगडम बने कैसे ये इंडिपेंडेंट रिबेल किंगडम में अल्टीमेटली कौन से कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थे ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ने अल्टीमेटली क्या क्या काम लोकल लेवल पर करके रखे हुए थे देर आफ्टर हमने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एरिया में कैसे आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थर्ड पिलर एरिया में आके फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे पहले बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ बक्सार एंग्लो मैठा मराठा वॉर एंग्लो मैसूर वॉर एंड फाइनली एंग्लो सिख वॉर खेल के इंडिया इंटीग्रेट किया इंडिया इंटीग्रेट करने के साथ इसको फिर प्रोटेक्शन के लिए ब्रिटिशर्स ने जो एंग्लो बर्मीज़ वॉरफेयर एंग्लो नेपाल वॉरफेयर एंग्लो सिक्किम वॉरफेयर एंड आफ्टर इवन एंग्लो अफगान वॉरफेयर खेल हमने वो भी लेबोरेटरी ले देखे एंडर आफ्टर फिर ब्रिटिशर्स ने बड़ी मुश्किल से हंड्रेड ईयर में अब जो इंडिया इंटीग्रेट किया उसके लिए ब्रिटिशर्स ने जो पॉलिटिकल पॉलिसी पॉलिटिकल पॉलिसी में भी ट्रेस की पहले तो लंडन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैलकाटा एडमिनिस्ट्रेशन इसमें मल्टीपल एक्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स एंडर आफ्टर विथ इन इंडिया डिस्ट्रिक्ट को प्राइवेट रख के कॉर्न वॉलिस एंड कॉर्न वाल के बाद अल्टीमेटली विलियम बेंटिक ने किए हुए मेजर दराफ्टर वी हैव ऑल्सो सीन द इकोनॉमिकल पॉलिसीज ऑफ़ द ब्रिटिशर्स जिसमें हमने देखा कि कैसे सिस्टमेटिकली इंडिया में लैंड रेवेन्यू पॉलिसी पहले एंड आफ्टर अल्टीमेटली कमर्शियल पॉलिसी जिसमें कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड फोर्सफुल वी कैन टॉक अबाउट बेसिकली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ अवर कंट्री ब्रिटिशर्स ने किया वी हैव ऑल्सो सीन कि ब्रिटिशर्स ने फिर सोशल पॉलिसीज में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भी करवाए ये सारी चीज़ें करने के बाद दिस वॉज द नेक्स्ट पिलर दैट वॉज बेसिकली पॉपुलर अपराइजिंग कि जो ब्रिटिशर्स ने पैन इंडिया कैप्चर किया पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल पॉलिसी अडॉप्ट अब उसका लोकल लेवल का इम्पैक्ट जो अभी हमने देखा कि मल्टीपल छोटे छोटे मोमेंट चले हमने ये भी देखा कि वेदर वी कॉल दिस पर्टिकुलर मोमेंट ऑर्स पॉपुलर अपराइजिंग और नॉट कि डिपेंडिंग अपॉन कॉलोनियल पर्सपेक्टिव नेशनलिस्ट परसपेक्टिव एंडर आफ्टर मार्क्सिस्ट सवर्ट्रॉन पर्सपेक्टिव यू कैन हैव यू पॉइंट एंड फाइनली अब हम लोगों को जाना है लास्ट स्टेप दैट इज़ रिवॉल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन एंड दैट इज़ समथिंग वी विल एंटर इन टू कि अब रिवॉल्ट ऑफ 1857 में जाएंगे एंड रिवॉल्ट ऑफ़ 1857 में उतर के देखेंगे कि अब एग्जैक्टली ये रिवॉल्ट है क्या हुआ कैसे एंड जितना भी लेक्चर अभी तक हमने देखा रफली फिफ्टी लेक्चर्स नॉट मोर देन वन आर ईच ये सारे ही लेक्चर जो है उसको कल हम लोग समप करेंगे बिकॉज रिवॉल्ट इज़ अ वेरी वेरी लैंडमार्क इवेंट इन आवर कंट्री एंड यही रिवॉल्ट की वजह से अब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज जाएगा एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज आएगा हमने ब्रिटिशर्स की सोशल इकोनॉमिकल कल्चरल पॉलिसीज में लैबोरेटली देखा है कि कंपनी का राज इंडिया के लिए अच्छा था गवर्नमेंट का राज विल नॉट बी गुड फॉर इंडिया ये क्यों ये अभी हम लोग कल देखेंगे दैट इज़ समथिंग दैट विल बी एंट्रिंग इन टू टुमारो एंड इट विल बी द लास्ट लेग ऑफ द एंटायर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी Modern मॉडर्न काफ़ी बड़ा है ये मैंने आपको लेक्चर चालू करने से पहले ही बता के रखा था इट्स अ ड्रैग एंड दैट्स इट इज़ गोइंग टू कंज्यूम मैगजिम पॉसिबल लेक्चर I can't गिव यू गारंटी कब खत्म होगा कब नहीं बट एटलीस्ट आई कैन गिव यू दैट अश्योरेंस कि वीकली बेसिस पे पाँच छः वीडियो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के आई विल बी पुटिंग हैंड फोर्थ एंड आई अल ट्राई टू फिनिश इट अप एज सुन एज आई कैन बट ऑब्वियसली बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि मैं इसको बेसिकली जल्दी जल्दी से रैप अप करूँ मज़ा भी नहीं आएगा तो आई विल गो विद माई पीस बहुत सारे मैसेज सब मेरे को आ चुके गालियाँ भी आपने डाली है तो आई विल हैव मोर गालिया आई डोन्ट माइंड दट ऑल बट वो भगाने में मज़ा नहीं है बट एक एक घंटे के एटलीस्ट फाइव टू सिक्स वीडियो आई ट्राई टू पुट हैंड फोर्थ ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड आई ट्राई टू रैपिट अप बाई द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ So that is something we'll be entering into from tomorrow onward, guys. So thank you so much. I'll be stopping the session now. Thank you so much, guys. Thank you. Study IQ IS hui Affordable.